एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यह जो चैप्टर है, यह आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का लास्ट चैप्टर है। अभी तक आपने जो तीन चैप्टर पढ़े, तो तीनों चैप्टर से आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। उसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे और बिल्डअप करते हुए अगर आगे बढ़े, तो ये चैप्टर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत अच्छे अच्छे डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, खास करके वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्हें आगे कोई एनटीएससी वगैरह ऐसे एग्जाम देना है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें बहुत सारी चीज, बफर स्टॉक, पीडीएस और पीडीएस से जुड़ी हुई स्कीम्स, इवोल्यूशन, करंट स्टेटस, हर चीज बहुत अच्छे से जानने को मिलेगी। तो कुल मिला के कॉम्पैक्ट चैप्टर, मजेदार चैप्टर, जो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल डोमेन्स में मदद दिलाने वाला है। एक ऐसा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्लीट भी करेंगे इस वीडियो में। तो हियर वी गो, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखो, सबसे पहला सवाल यह आता है कि फूड सिक्योरिटी, हर चीज का देखो मैं एक अप्रोच सीखियो कि नहीं सीखियो मेरे साथ आप लोग, कि कभी भी कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जब पढ़ रहे होते ना, तो सबसे पहले उसकी जो हेडिंग होती है वो समझने की कोशिश करा करो। वो समझ लिया तो आधा काम वही हो जाता है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड तो खाना समझते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब क्या है कि सिक्योरिटी यानी प्रोटेक्शन देना एक तरह से। वो तो आप हमारे खाने को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, खाने को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है, देखो समझा रहा हूं मैं आपको। क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको अगर एक महीने के लिए घर के अंदर बंद कर दिया जाए, तो आपकी बेसिक नीड क्या होगी कि घर के अंदर हो, चलो ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। बेसिक नीड ये की नहीं होगी, पीने का पानी हो, ठीक है, खाने के लिए खाना हो। तो ह्यूमन सर्वाइवल की अगर हम बात करें, तो क्या है कि बेसिक कमोडिटीज जैसे खाना वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कंट्री जब आपको चलाना, देश चलाना, तो सिर्फ आपको ये नहीं सोचना कि आपके दूसरे देश के साथ कैसे संबंध है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे सुलवाना है, आपको बेसिक लेवल पे ये भी देखना पड़ता है कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उस तक खाना पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। कल को अगर देश में कोई कैलामिटी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पीरियड में सब बंद हो गया, तब क्या है, तब ये इंश्योर करना भी एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोग भूख के कारण कहीं परेशान ना हो जाए, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी इन द सेंस, और उसको ये भी ऐसे देखना है कि आज तो खाना मिल रहा है, लेकिन ये मान लो कि चार साल तक अगर अपने को खाना कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, कुछ भी बुरी, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर समस्याएं आती है, तब हम हमारे देश की जनता जनार्दन को खाना दे पाएंगे कि नहीं। तो उस सेंस में फूड सिक्योरिटी मतलब यही होता है कि यू आर इंश्योरिंग दैट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल कंटेंट इज अवेलेबल टू द पीपल फॉर अ टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक ऑल सच अरेंजमेंट्स। ये फूड सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट है, समझ गए। तो फूड सिक्योरिटी ये जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो हम वही देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है, क्यों चाहिए आपको फूड सिक्योरिटी, कैसे इंश्योर करोगे, किसके लिए इंश्योर करना, मतलब किसके लिए सिक्योर करना जरूरी है फूड सिक्योरिटी, ठीक है, कैसे इंश्योर करोगे और किसके लिए सिक्योर करना है फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड इनसिक्योर लोग कौन होते हैं, किन्हें ज्यादा खतरा है कि हाँ अगर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये लोग जो है भूख के कारण स्टार्व कर सकते हैं, सारी समस्याएं आ सकती है। तो चैप्टर का एसेंस समझ में आया। तो फूड सिक्योरिटी के इर्द गिर्द जितने भी सवाल उठते हैं कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, फॉर हूम इट इज रिक्वायर्ड, हाउ वी कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, वो सारी चीजें जो है, वो सारी चीजें क्या है चैप्टर के इर्द गिर्द घूमेगी, और यही चैप्टर की थीम है। स्टार्टिंग में मैं हमेशा आपको इसीलिए क्या बताता हूँ, चैप्टर की थीम बताता हूँ कि आखिरकार चैप्टर कहना क्या चाहता है, समझ में आया। तो चैप्टर की थीम यह है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारा फूड सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जो इस चैप्टर में कवर होता है, क्लियर हुआ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, व्हाई फूड सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, हु आर फूड इनसिक्योर्स, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, बफर स्टॉक, ठीक है। तो अब बोलोगे सर ये है क्या चीज, तो यही पूरे चैप्टर का कॉन्टेंट है। सबसे पहले हम ये व्हाट, व्हाई और हु, ठीक है, तो व्हाट, व्हाई एंड हु, तो ये वाला एस्पेक्ट समझना कि फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड सिक्योरिटी सिर्फ ऐसा नहीं कि दो वक्त का खाना अवेलेबल हो गया तो फूड सिक्योर हो गया, वो मल्टीपल डायमेंशन पे उसको समझा जाता है। तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी वाली चीज, व्हाई फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल, क्यों फूड सिक्योरिटी चाहिए, वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, वर्स्ट केस में जब क्या होता है, जब खाना नहीं होता है, तो जो वल्नरेबल सेक्शन होता है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज वाले चैप्टर में पढ़ा आपने कि अगर मान लो खतरा आता भी है, ऐसा खतरा आता है कि हमारे खाने, हमारे देश में खाने की कमी पड़ गई है, तो जो वल्नरेबल सेक्शन होगा ना, उनके अफेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्लियर है। तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, व्हाई फूड सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, हु आर फूड इनसिक्योर्स, फूड सिक्योरिटी की जब बात कर रहे हो तो आप ये भी इंश्योर करोगे कि किसके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी, कौन इनसिक्योर सबसे ज्यादा है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स। इंडिया में क्या कदम लिए गए फूड सिक्योरिटी के लिए, तो हमने बफर स्टॉक्स बनाए, पीडीएस सिस्टम चलाया, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स वगैरह होती है, तो बफर स्टॉक क्या है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, करंट स्टेटस क्या है। तो जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब वही राशन शॉप्स वगैरह, फेयर प्राइस शॉप्स होती है जहां पे आपने देखा होगा क्या अनाज मिलता है, केरोसिन मिलता है, शक्कर मिलती है। तो ये क्या हुआ, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसका आज की स्थिति में क्या स्टेटस है। अब ये आपने देख लिया कि फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, फूड सिक्योरिटी कोऑपरेटिव्स भी इंश्योर करते हैं, कोऑपरेटिव्स ने एक सक्सेसफुल मॉडल लाए हैं। तो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, तो देखो टेंथ में और पढ़ोगे, वैसे अभी मैं आपको बेसिक लेवल पे समझाऊं। तो ऐसे सिस्टम जहां पे क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स होते वही ओनर होते हैं और सब लोग मिलके क्या करते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अमूल, अमूल एक कोऑपरेटिव है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं तो सारे फार्मर्स जो है मिल्क सप्लाई करते हैं, सारे फार्मर्स जितना मिल्क सप्लाई करते हैं उस हिसाब से वो अपना क्या ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। और कंपनी जो है, तो कंपनी ऐसे सभी लोगों के सहयोग से चल रही है, ठीक है, सभी लोगों के कॉपरेशन, कॉपरेटिव सोसाइटीज जो है। तो आप दिल्ली से हो, अगर दिल्ली के आसपास वाले रीजन से, तो मदर डेयरी, ठीक है, अमूल, ये क्या देखने को मिलता है आपको, ये इंश्योर कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी। तो कॉपरेटिव्स ने क्या रोल प्ले करा है वो केस, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीजें हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का पूरा मैदान है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। तो यहां पे क्या बताया गया, देखो कि फूड सिक्योरिटी मींस समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वायर मील। सिर्फ दो वक्त का खाना मिल जाना फूड सिक्योरिटी नहीं होती है, फूड सिक्योरिटी मल्टी डायमेंशन पे देखी जाती है। और यहां आपका क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, ठीक है, व्हाट आर दी डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, इस तरह से सवाल बनता है। तो व्हाट आर दी डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशन, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या, सीधा क्वेश्चन आता है ऐसा कि व्हाट आर दी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि अवेलेबिलिटी एक डायमेंशन हो गया, एक्सेसिबिलिटी एक डायमेंशन हो गया, अफोर्डेबिलिटी एक डायमेंशन हो गया। तो ये तीन डायमेंशन होते हैं फूड सिक्योरिटी के, ठीक है। तो यहां पे ये, मतलब विशेष रूप से पॉइंट ध्यान रखना, व्हाट आर दी थ्री डायमेंशंस। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि दो वक्त का खाना ही मिल जाना काफी नहीं होता है, अवेलेबिलिटी मतलब ये होना चाहिए कि प्रोडक्शन होना चाहिए सफिशियंट आपकी कंट्री में कि वो आप थोड़े समय तक स्टॉक कर सको, थोड़े समय तक स्टॉक करने के बाद बाद में क्या है कि हर इंसान तक वो पहुंच सके। तो वो एक्सेसिबिलिटी में पढ़ेंगे वैसे तो इंपोर्ट्स इन प्रीवियस ईयर स्टॉक। अवेलेबिलिटी में क्या है कि आपके यहाँ जो नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ कोई ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, किसी चीज की अगर हमारे यहाँ कमी है तो वो हम इम्पोर्ट करें दूसरे देश से और ये इंश्योर करें कि वो सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल रहे। तो फूड सिक्योरिटी का पहला एस्पेक्ट क्या है कि उसकी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी हो, ये पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा डायमेंशन देखोगे अगर तो एक्सेसिबिलिटी। अब खाना तो है, ठीक है, लेकिन खाने तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, बोलेंगे सर दौड़ के चले जाएंगे, दौड़ के नहीं, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है कि फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, मतलब एक रोबस्ट सप्लाई मैकेनिज्म होना चाहिए कि हर जगह तक आप क्या कर सको, बेसिक एमिनिटीज। जैसे आप देखेंगे माउंटेनियस रीजन्स में जाते हैं, लद्दाख वद्दाख जाते हो, तो आपको वहां ऐसा लगेगा क्या कि वहां पे चीजों की कितनी स्कैरसिटी है, ठीक है, इसी कारण चीजों का रेट भी ज्यादा रहता है टूरिस्ट वगैरह जब जैसे जाते हैं। तो उस केस में क्या आपको देखने को मिलता है कि एक्सेसिबल भी होना चाहिए लोगों तक, लोग वहां तक पहुंच सके, खाने तक, खाना लोगों तक पहुंच सके, खाने के पैर निकल के नहीं आएंगे लेकिन पहुंच सके का मतलब ये क्या है कि एक्सेसिबल होना चाहिए कि हर इंसान अपने लिए जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके, वहां तक पहुंच सके। अब वो एक्सेसिबल हो गया खाना, यहाँ लोग वहां तक खाने तक पहुंच सकते हैं, खाना लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है, एक नेटवर्क सिस्टम है पूरा का पूरा। तो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, लेकिन इसी के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। अब लोगों तक खाना तो पहुंच रहा है लेकिन इतना महंगा है कि लोग खरीद नहीं सकते, बस देख के ही पेट भर लेते हैं, देख लेते हैं और पानी पी लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी तीसरा डायमेंशन होता है। अफोर्डेबिलिटी मतलब क्या है कि एवरीवन have the enough money to buy sufficient safe and nutritious food, ठीक है। affordability मतलब कि खाना हो, available हो, खाना आपके पास, आप खाने तक पहुंच सकते हो, accessible हो, और साथ ही साथ क्या है वो affordable होना चाहिए। affordable ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान जो देख रहा है कि हाँ उसकी ये requirements है, वो उसके सामने है खाना लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा क्योंकि बहुत महंगाई है। तो वो केस में भी क्या है कि फूड इनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए अफोर्डेबल भी होना चाहिए वो, कि इंसान खरीद सके, ठीक है। तो ये तीन डायमेंशन है, एवरीवन हैव इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, ये तीन डायमेंशन है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल, सफिशियंट अमाउंट में खाना है, ठीक है, हर इंसान के लिए, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड
ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड देयर इज नो बैरियर ऑन द एक्सेस टू फूड। ठीक है, मतलब एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, तीनों डायमेंशन जो है वो कवर हो गए। समझ में आया? तो इस तरह से आपने तीनों डायमेंशन कवर करें तब फूड सिक्योरिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, सो दिस इज द फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट यहां कवर किया। अब क्या है, पॉपुलेशन रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल, ठीक है, बट मे बिकम फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग कैलेमिटी। अब फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है, जैसे हम यहां पर देखोगे ना, हमने बात करी व्हाई फूड सिक्योरिटी इज रिक्वायर, तो खाना अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, ठीक है, लेकिन हम ये इतनी बात कर क्यों रहे हैं अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और कह सकते हैं अवेलेबिलिटी की। तो इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो जनता जनार्दन जो है, पॉपुलेशन जो है, तो पॉपुलेशन रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल, हमें हमारे जीवन यापन के लिए, जीवन को आगे जीना है तो खाना तो पड़ेगा, ठीक है, तो हमें क्या फूड तो चाहिए ही चाहिए रहता है, लेकिन बट मे बिकम फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग कैलामिटी, तो हमें खाना चाहिए और खाना मिल भी रहा है, इंसान खाना खा रहा है, ठीक है, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो। लेकिन अब क्या होता है कि जब समस्या कब आती, पता है, जब देखो जब तक सब कुछ सही चल रहा तब तक सही चल रहा है, लेकिन टेस्ट तभी होता है जब चीजें आपकी स्थिति जो है मतलब आपके विपरीत जाने लगती है, तो जब क्या होता है कि कैलामिटी वगैरह आती है, कैलामिटी में फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे इमीडिएटली आप देखोगे तो क्या फ्लड्स आ गई, अगर बारिश में, तो फ्लड्स के टाइम पीरियड में क्या होता है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, खाना खराब हो गया, सारी चीजें, तब आपको ये इंश्योर करना होगा कि तब आपके पास सफिशियंट खाना हो, कि चलो वेस्ट हो गया उतना तो भी हमारे पास दूसरा स्टॉक है कि हम उन लोगों का पेट भर सकें कैलामिटी के टाइम पीरियड में। जैसे एक कैलामिटी में अगर आप देखोगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोविड के टाइम पीरियड में आप देखोगे तो क्या है कि लोगों के पास जब काम नहीं था, नॉर्मली खाना क्या है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल भी है, अफोर्डेबल करने के लिए आप उतना कमा रहे थे कि आप खा रहे थे, लेकिन अब जॉब वॉब सब चले गई लोगों की, ठीक है, बेरोजगार हो गए लोग, अब क्या है, अब कोई संकट आया कि दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड द फूड, तब आप उन लोगों तक खाना कैसे पहुंचाओगे, ठीक है, तो कैलामिटी के टाइम पीरियड में सिचुएशन बिगड़ती है एंड देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज मस्ट बी अ प्रायोरिटी, और इसी के चलते क्या है, फूड सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन अगर बनती है जहां पे कमी है खाने की, तब आप कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर करोगे, दिस इज द प्रॉब्लम, गॉट इट, तो ये एक समस्या होती बहुत बड़ी। तो हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी, कैलामिटी के टाइम पीरियड में, मैंने आपको वैसे तो समझा दिया कि कैलामिटी के टाइम पीरियड में फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होती है, तो नेचुरल कैलामिटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस, शॉर्टेज ऑफ फूड, देयरफॉर प्राइसेस गोज अप एंड सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, दिस मे लीड टू द सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन एंड कैन फर्दर लीड टू फेमाइन। अब आप यहां पे कहानी को जोड़ना, समझना, अच्छे से कनेक्ट करना, क्या हो रहा है कि कैलामिटी के टाइम पीरियड में फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होती है, कि अगर मान लो कोई ऑड्स आते हैं आपके सामने, जैसे मैंने बता दिया कि सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई या फिर कोई महामारी फैल गई, ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन का वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, बाढ़ आ गई तो फूड ग्रेन प्रोड्यूस ही नहीं हुए, तो उसके चलते क्या होगा, खाने की शॉर्टेज होगी। अब शॉर्टेज होगी तो कम खाना है, खाना सबको है लेकिन खाना है आपके पास कम, मतलब कि क्वांटिटी कम है लेकिन चाहिए सभी को, तो वो सेक्शन जो इस कम क्वांटिटी को भी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे अपने आप, ठीक है, सबको खाना चाहिए, खाना कम है, तो जो जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा पैसा देके खरीद लेगा, ठीक है, ऐसे ही चीजों की कीमत बढ़ती है, तो देयरफॉर प्राइसेस गोज अप एंड सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, और जिनके पास पैसा नहीं होता दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अफोर्ड, अब जो खरीद नहीं पाया तो वो क्या है, वो भूखा रह जाएगा, स्टारवेशन हो जाएगी, फेमाइन हो जाएगी, स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, फेमाइन मतलब क्या हो जाता है, भूखमरी आ जाती है, जैसे कि लोग भूख के कारण मर रहे होते हैं जब जाने जाती है, आप बोलोगे सर ऐसा होता क्या, कोई भूख के कारण थोड़ी ना मरता है, इतना खाना तो होता है, नहीं ऐसा होता है, ठीक है, इंडिया एंड द पार्ट्स ऑफ एशिया साउथ एशिया वी हैव सीन द वर्स्ट फेमाइन इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमने बहुत बुरी बुरी भुखमरियां देखी है, ठीक है, तो फेमाइन क्या होता है समझो, फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वाइडस्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, मतलब बड़े स्केल पे क्या हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, और जान क्यों जा रही है, भूख के कारण, बिकॉज दे वर हंग्री, ठीक है, खाना नहीं मिल पाया इस कारण लोगों की जान चली गई, ठीक, स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और डीकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू द वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, जैसे देखो मतलब ये मल्टी डायमेंशनल है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना इसलिए जरूरी क्योंकि समझो अगर आपके पास सफिशियंट मात्रा में खाना नहीं होगा, सिक्योर करके नहीं रखोगे आप, स्टॉक्स नहीं रखोगे, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो लिमिटेड स्टॉक रहेगा नेचुरल कैलामिटीज के चलते प्रोडक्शन नहीं हुआ, स्टॉक लिमिटेड है, प्राइसेस बढ़ गई, अब जब प्राइसेस बढ़ गई तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग खाना नहीं खा पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो क्या करेंगे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उन लोगों के सामने ये चैलेंज आएगा कि अब क्या खाएं, तो दे विल बी इन अ पोजीशन ऑफ स्टारवेशन, अब वहां पे क्या होगा, उन्हें सफर करना पड़ेगा,
कैसे सफर करना पड़ेगा, स्टार्वेशन मतलब क्या है कि अब खाना नहीं है, है महंगा तो वो नहीं खाते हैं, अब नहीं खाते तो बॉडी वैसे ही क्या होने लगती है, वीक होने लगती है बॉडी, ठीक है। अब वीक वैसे हो रही क्योंकि खाना खा नहीं रहे, और जो भी मिल रहा है तो वो कैसा मिल रहा है, जैसे कुछ सड़ा गला खा लिया, खराब पानी पी लिया, तो बॉडी और कमजोर होने लगती है, तो बीमारियां फैलती है, एपिडेमिक्स होती है, ठीक है। स्टार्वेशन, भूख है, बीमारियां है, उसके चलते क्या होते लगता है कि बॉडी कमजोर होने लगती है और लोगों की डेथ होने लगती है। सो दीज आर सम ऑफ दी कह सकते हैं, मतलब ये पिक्चर्स को देखो तो ऐसा लगता है कि क्या स्थिति रही होगी। तो जैसे बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, इसके पीछे कहानी बताता हूं। 1943 वाज द टाइम पीरियड व्हेन वर्ल्ड वॉर टू वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने पूरा चूस लिया था इंडिया को, सारे फूड ग्रेन्स यहां से डाइवर्ट कर दिए, पैसा यहां से लेकर, उसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ फेमाइन ब्रोक आउट होती है, ठीक है। तो ये बंगाल फेमाइन, जैसे बंगाल वाले क्षेत्र में जो फेमाइन आती है 1943 की, तो जहां पे मतलब इट इज कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ दी वर्स्ट फेमाइन ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है। वर्स्ट फेमाइन, लाखों लोगों की जाने गई, लाखों लोगों की। तो स्टार्वेशन विक्टिम सराइविंग एट द रिलीफ सेंटर इन 1945, तो स्टार्वेशन विक्टिम देखो, भूख के कारण लोगों की हड्डियां जो ऐसे बिना एक्सरे के गिन लो आप, ऐसी स्थिति हो गई थी। ड्यूरिंग बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 अ फैमिली लीव्स इट्स विलेज इन चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, और अब जैसे फेमाइन जैसी सिचुएशन आती तो लोग बाहर भी मूव करते हैं। बहुत सी बार जब सूखा पड़ता था पहले तो लोग क्या करते थे, अपने गांव को छोड़ छोड़ के दूसरे गांवों में, दूसरी जगह पर जाना शुरू कर देते थे। तो यही स्थिति यहां बन रही है। तो अब आप बोलोगे कि हाँ सर, बुरी स्थिति थी, फेमाइन समझ में आ गया हमें, और यह भी समझ में आ गया कि फूड सिक्योरिटी इसलिए जरूरी थी क्योंकि ऐसी नेचुरल कैलेमिटी वाली सिचुएशन आ जाएगी तो जो पुअरेस्ट सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगा, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा क्या कि बट टुडे सिचुएशन इज नॉर्मल, देन वाई डू रिक्वायर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन आज की स्थिति में सिचुएशन तो नॉर्मल है, बात तो सही है ना, ये बात सही है कि नहीं, बताओ कि आज तो सर वैसा होता नहीं है। आज तो हमारे पास क्या देख रहे हैं आप कि आज मतलब एक तरह से डैम्स वगैरह बना लिए तो सूखा पड़ता भी, तो हमारे पास पानी रहता है, सारी चीजें हैं, तो आज तो सिचुएशन ठीक है, फिर आज क्यों फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पॉइंट, ठीक है। तो आज क्यों फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो अब अच्छे से समझना, आज सब कुछ सही होने के बावजूद भी फूड सिक्योरिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल आप शहरों में बैठे हैं, सारी चीजें ऐसे देखने को मिल रही है कि खाना है तो सही, सफिशिएंटली अवेलेबल, लेकिन कंट्री के आज भी कुछ रिमोटेस्ट पार्ट जो है, जैसे उड़ीसा के कोई डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए, जहां पे आज भी क्या है कि खाने की कमी है, लोग आज भी वहां पे फेमाइन के कारण, मतलब फेमाइन जैसी सिचुएशन तो नहीं, लेकिन आप कहोगे स्टार्वेशन के कारण लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, पीपल हैव फूड सिक्योरिटी, ठीक है, पीपल हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देमसेल्फ, ठीक है। तो उस कारण से क्या होता है कि आज भी फूड सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक इंपॉर्टेंट इशू है, समझ गए। तो ये पॉइंट हो गया किसका, कि इतना सब कुछ, मतलब वॉट इज फूड सिक्योरिटी समझ लिया, थोड़ा सा वाई वाला एंगल भी समझ लिया कि क्यों। अब पॉइंट ये आता है कि हाँ, वॉट इज फूड सिक्योरिटी, तीनों डायमेंशन, वाई इट इज रिक्वायर्ड, वो भी समझ लिया। अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, फेमाइन, स्टार्वेशन, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब पॉइंट आता है कि जब ऐसी सिचुएशंस आती है फेमाइन वगैरह वाली, तो ज्यादा कौन अफेक्ट होता है, ठीक है। और इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर बनवाऊं मैं, तो हु इज फूड इनसिक्योर, कौन ऐसा इंसान होता है जो फूड इनसिक्योर होता है, मतलब कि किसके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट ट्रैप ऑफ स्टार्वेशन एंड सब्सिक्वेंटली डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन इज हाई। मतलब अगर इसको आप पॉवर्टी एज अ चैलेंज वाले चैप्टर से जोड़ के देखोगे तो सिंपल सी चीज है कि वल्नरेबल सेक्शन कौन सा होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहां क्या देखने को मिलता है कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब बोलोगे ये कैसा जवाब होगा, हु इज फूड इनसिक्योर, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सिचुएशन ऐसी कि मान लो इंसान कहां रह रहा है, वहां पे जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वाला केस हमने पढ़ा था, तो वुमेन हो गई, उसके बाद में एल्डरली पॉपुलेशन हो गई, तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की कैटेगरी में जाते हैं, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है अफेक्ट होने के, इफ द डेंजर ऑपरेट्स अगेंस्ट देम, पॉवर्टी एज ए चैलेंज में पढ़ा हमने, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में जैसे अगर आप देखोगे तो फूड इनसिक्योर भी क्या होगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसे क्या होता है कि लैंडलेस पीपल, जमीन नहीं है, फसल नहीं हुई, तो उनको दूसरी जगह से अगर जो काम करने का मौका मिलता था, काम भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, खाना भी नहीं मिल पाएगा। तो दी वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स की अगर बात करें हम, तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में कौन होंगे, वो लैंडलेस पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिशंस, पिटी, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का इस केस में फूड इनसिक्योरिटी के टुवर्ड्स, वो कौन सा होता है, वो होता है जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है। साथ ही साथ अब देखो गरीबी में गीला आटा कैसे हो जाता है, कि अगर यही सेक्शन अगर मान लो सोशली भी एक्सक्लूडेड है,
फॉर एग्जाम्पल कोई लैंडलेस लेबर है और वो साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, तो इकोनॉमिकली भी वल्नरेबल हो गया और सोशली भी, तो यहाँ पे डबल डिसएडवांटेज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज में जैसे देखोगे तो इल पेड वर्किंग ग्रुप, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर्स, तो दे आर दी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर दी फूड इनसिक्योर, दे आर दी वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स। क्लियर हो गया? अब जैसे यहाँ पे दो स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ रामू और स्टोरी ऑफ अहमद। अब रामू की कहानी और अहमद की कहानी, दोनों की कहानी समझो जरा अच्छे से। कहानी आप बुक में खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसे एनालाइज करो। तो जैसे रामू, ये एक गांव की कहानी है, एक शहर की कहानी है। रामू गांव में लैंडलेस लेबर की तरह काम करता है, उसका एक बेटा है सोमा, वो भी क्या करता है गांव के सरपंच के यहाँ काम करता है, काम करने पे मात्र उसे 1000 रुपए मिलते हैं रामू को। उसके अलावा भी 3 बेटे 2 बेटियां हैं। अब रामू भी कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता, उसकी वाइफ काम करती है, बर्तन वर्तन मांझती है, तो उसके बदले में उसे क्या थोड़े बहुत पैसे तो क्या ही मिलते हैं, मतलब ऐसे खाना मिल जाता है, दूध मिल जाता है, थोड़ा सा खाना मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अहमद की अगर बात करें तो अहमद क्या है, बेंगलोर में एक रिक्शा ड्राइवर है। तो अपने गांव से वो क्या अपनी फैमिली को लेके, बहनों को लेके, माता पिता को लेके कहाँ आ जाता है, बेंगलोर में जाता है, ऑटो चलाता है। अब ऑटो चलाता है तो काम क्या है, वो एक तरह का, एक तरह से हिसाब देखोगे तो क्या है, इल पेड वर्किंग ग्रुप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सवारी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो इस तरह की ये सारी समस्याएं किसको देखने को मिलती है, ये सारी समस्याएं जो, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अहमद को देखने को मिलती है। तो अब दोनों केसेस में आप समझे क्या, दोनों केसेस में आप ये समझे सिंपल सी चीजें कि दीज सेक्शंस आर वल्नरेबल सेक्शंस, चाहे वो गांव की बात कर लो चाहे शहर की बात कर लो। अगर मान लो क्या होता है, अगर कैलामिटी आती है, अगर मान लो ये स्थिति बनती है कि जहां पे खाने की कमी हो गई किसी भी सेंस में, तब क्या होगा, द चांसेस ऑफ बीइंग अफेक्टेड इज हाईएस्ट ओवर दीज सेक्शंस। ठीक है, इस तरह के सेक्शंस, इस तरह के ग्रुप जो रहेंगे तो चांसेस ऑफ बीइंग अफेक्टेड इज हाईएस्ट। ठीक है, तो दे आर दी फूड इनसिक्योर, सुना? तो ये ग्रुप जो होते हैं ये फूड इनसिक्योर होते हैं। सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद इनएबिलिटी टू बाय फूड अफेक्ट दी सिक्योरिटी। अब एक और चीज, फूड इनसिक्योर कौन होंगे, तो सोशल सेक्शंस, मतलब सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद इनएबिलिटी टू बाय फूड, मतलब पहले तो इकोनॉमिकली अगर उतने पावरफुल नहीं है तो वो क्या है, इनएबिलिटी टू बाय फूड, इकोनॉमिकली उतने पावरफुल नहीं है कि वो खाना खरीद पाए। ठीक है, साथ ही साथ में सोशल कंपोजिशन जो मैंने आपको बताया, डबल डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन हो जाती है कुछ लोगों के साथ में, एंड दे बिकेम फूड इनसिक्योर। कौन? की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को बिलोंग कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या पैसा भी नहीं है, तो वो समाज में सोशल लेवल पे भी डिस्क्रिमिनेशन है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ना होने के कारण द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैप, इनटू द डेट ट्रैप ऑफ इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी इज द हाईएस्ट अमंग दीज ग्रुप्स। समझ गए? पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, दोज हु माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ वर्क, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड स्मॉल चिल्ड्रंस आर फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन में अगर स्पेसिफिकली ग्रुप की बात की जाए तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे, किन वर्किंग पॉपुलेशन को आप फूड इनसिक्योर कहा जाता है। उसके अलावा इन जनरल भी अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि वो लोग जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड है, बाढ़ आ गई है तो खाना बचा ही नहीं घर में, ठीक है, तो एक लंबे समय तक 2-3 दिन तक हो सकता है खाने की व्यवस्था ना हो रहा हो, ये सारी समस्या। ठीक है, तो पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, दोज हु माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ वर्क, जो काम की तलाश में घूम रहे हैं एक जगह से दूसरा दूसरी जगह, तो अब क्या है, काम ढूंढेंगे, खाना है नहीं है, गांव गांव शहर शहर लोग इंसान काम ढूंढ रहा है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, दोज हु माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ वर्क दे आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर। प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स, अब बोलोगे सर ये कैसे फूड इनसिक्योर हो सकती है, देखिए तो नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस इन आर कंट्री इज वेरी लो। अब न्यूट्रिशनल अवेयरनेस जब हमारे देश में कम है तो लोगों को उतनी जानकारी नहीं रहती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस केस में क्या हो रहा है, प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन जो रहती है, ठीक है, नर्सिंग मदर्स मतलब जो बच्चों जिनका कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं जिनका छोटा बच्चा है हु इज ऑन मिल्क फीडिंग स्टेज, तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सिचुएशन ये होती है, यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यूट्रिशनल नीड्स, और जब न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं तो उसके चलते आपको सिंपल से ये देखने को मिलता है कि जितना उन्हें इनटेक करना चाहिए खाना वो उतना इनटेक करते नहीं है, तो नोइंगली और अननोइंगली दे मूव इनटू द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। ठीक है, फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन की कैटेगरी में चले जाते हैं, एंड स्मॉल चिल्ड्रन आर फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। स्मॉल चिल्ड्रन क्या है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा बस खाना ना हो तो ही फूड इनसिक्योर होंगे, छोटे बच्चे ऐसे खाते ही नहीं है, पीट रही है मम्मी पापा फिर भी नहीं खाते, बताओ। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि ये ग्रुप्स हो गए, ये ग्रुप्स हो गए जो फूड इनसिक्योर की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन, मैं फूड इनसिक्योर ही बता रहा हूं आपको, तो आपने ग्रुप्स देख लिया, कौन कौन से सेक्शन देख लिया, कौन फूड इनसिक्योर हो सकता है। नाउ हाउ दी फूड इनसिक्योर पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी कंट्री, कंट्री में कौन कहां कहां है फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन, तो जैसे अगर आप देखेंगे हाई इन सम स्टेट्स, तो यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो
उसमें क्या है, अनइवननेस है। कुछ क्षेत्र जो है वहां पे लोग फूड इनसिक्योर ज्यादा होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे संपन्नता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बंपर प्रोडक्शन है, बंपर प्रोडक्शन है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, तो वहां पे फूड इनसिक्योरिटी होने के चांसेस कम है कि वहां पे लोग फूड इनसिक्योर हो, ठीक है। लेकिन वही बात करोगे ऐसे स्टेट्स में जहां प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता, जैसे उड़ीसा झारखंड बताया मैंने आपको, जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहां सूखा है, जहां पानी की कमी नहीं है, तो दिखती बात है कि वहां क्या होगा, वहां फूड इनसिक्योरिटी के चांसेस ज्यादा है कि वहां जो लोग रहेंगे दे माइट बी हाई ऑन अ हाई रिस्क स्केल टू फूड इनसिक्योरिटी। तो इन सम स्टेट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट जो है तो वहां फूड इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट, तो वेस्टर्न पार्ट में तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वहां तो प्रोडक्शन खूब होता है, लेकिन ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां फूड इनसिक्योरिटी है। बिहार झारखंड उड़ीसा की अगर बात की जाए, ठीक है, वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन दी कंट्री। सो दीज रीजन्स, ठीक है, इन रीजन्स को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि वो सारे क्षेत्र हैं जो इकोनॉमिकली उतने प्रॉस्परस नहीं रहे तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं। साथ ही साथ क्या पानी की कमी है, या मान लो, या फिर मान लो कि सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं है, तो उसके चलते क्या है इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी उतने फेवर में नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स यहां मिले नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको फूड इनसिक्योर सेक्शन की कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। समझ गए। हंगर इज दी अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। अगली चीज समझो यहां पे क्या है, अगली चीज है हंगर, भूख, ठीक है। तो सिर्फ खाने की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी हो गई है, सबको मिल गया, तो उससे फूड सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। फूड सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट जो है वो हंगर भी है। हंगर को बहुत अच्छे से समझो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हंगर, ठीक है, फीलिंग हंग्री ग्रैब ए स्नीकर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हंगर का मतलब ये होता है कि खाना तो है, जैसे पेट तो हर इंसान भर रहा है, लेकिन पेट भरने के साथ साथ में क्या उसकी नीड्स पूरी हो रही, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्लियर है। तो वो फूड सिक्योरिटी का, फूड इनसिक्योरिटी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, वेर एज हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स पॉवर्टी। कैसे, ये समझाता हूं मैं। मतलब जो हमने पढ़ा था पॉवर्टी एज चैलेंज वाले चैप्टर में, कॉज और इफेक्ट होता है ना, वैसे ही तो हम क्या सोचते हैं कि गरीबी होती है इस कारण से लोग भूखे रह जाते, नहीं, लोग भूखे रह जाते इस कारण गरीबी हो रही है, ठीक है, इफ दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड्स, ठीक है, भूख है तो पेट भरा नहीं है इंसान का। अब जब भूख है तो वो बॉडी कमजोर हो जाएगी, तो ही विल नॉट बी एबल टू गिव हिज बेस्ट पोटेंशियल। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने पढ़ा है ना, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक हेल्दी पॉपुलेशन जो रहेगी वो अपना बेस्ट दे पाएगी। तो अब जब यहाँ पे हंगर है, हंगर के कारण क्या है, वो इंसान खा पी नहीं रहा है, अब वो इस कारण भी खा पी नहीं रहा है क्योंकि क्या गरीब है, तो उतना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पाती है। अब जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो वो इंसान क्या करता है, समझना यहाँ पे, वो इंसान न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं हो पा रही तो अपना बेस्ट पोटेंशियल नहीं दे पा रहा है, तो उसके चलते क्या होता है कि उसके चलते वो अपना बेस्ट जब नहीं दे पा रहा है तो वो उसी साइकिल में फंसा रह जाता है गरीबी, ठीक है। तो हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, ठीक है। गरीबी के कारण आपको पॉवर्टी देखने, गरीबी के कारण भुखमरी देखने को नहीं मिल रही, भुखमरी के कारण भी गरीबी है, ऐसा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। हंगर मतलब क्या है, तो हंगर रेफर्स टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, वेयर बाय फूड इज अवेलेबल बट सफिशियंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज नॉट अवेलेबल। खाना पेट तो भर रहा है इंसान, लेकिन क्या है कि वो पेट ऐसा भर रहा है कि उसकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं हो रही है, एक समय पे उसके पास खाना रहता है, एक समय पे खाना नहीं रहता है। तो हंगर के अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो हंगर हैज टू डायमेंशंस, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर, ठीक है। हंगर के दो डायमेंशन है, क्रॉनिक हंगर है और एक सीजनल हंगर है। क्रॉनिक हंगर में क्या आएगा, सीजनल हंगर में क्या आएगा, वो चीज समझो, ठीक है। तो क्रॉनिक हंगर की अगर बात की जाए तो देखो, क्रॉनिक हंगर और सीजनल, अभी आपको समझ में आ रहा होगा सीजनल मतलब क्या, कि ऐसी भुखमरी जो एक समय तक तो इंसान के पास में सफिशियंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है उसकी पूरी हो रही है, एक समय पे नहीं हो रही, मतलब सीजन टू सीजन खाने की अवेलेबिलिटी है, सीजन टू सीजन खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, सीजनल। और क्रॉनिक मतलब क्या है, क्रॉनिक डिसीजेस बायो में पढ़ा होगा ना आपने, जो लंबे समय तक प्रिवेलेंट होती है, ठीक है। तो क्रॉनिक हंगर इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडुकेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड और क्वालिटी। क्रॉनिक हंगर में क्या आ जाएगा कि वही है, मतलब कि इंसान सिर्फ पेट ही भर रहा है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कोई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो उसकी एक शरीर की होती है कि आपको विटामिन्स भी चाहिए, आपको सारी चीजें चाहिए, तो वो
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाता इंसान का, तो जब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है हंगर का वो पूरा नहीं हो पाता है तो वो क्रॉनिक हंगर के एस्पेक्ट में आता है। उसमें क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों सेंस में पूरे नहीं हो पाते तो वो क्रॉनिक हंगर कहलाता है। ठीक है, वो क्रॉनिक हंगर कहलाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको क्रॉनिक हंगर का, ठीक है, क्रॉनिक हंगर का एग्जांपल का दे रहा हूं। जैसे आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो क्या कह सकते हैं, जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन रहता है सोसाइटी का, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि पेट भर लो, बस रोटियां खा लो, खत्म हो गया। बाकी आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको आपकी जो फूड रिक्वायरमेंट से डाइट जो है ना उसको बहुत डाइवर्सिफाई रखना पड़ता है। कैसे कि जो फॉर एग्जाम्पल मान लो वेजिटेबल्स है तो सब्जियों का अपना उसमें एक महत्व है, तो तरह तरह की सब्जी खाना पड़ती है। फ्रूट्स का अपना एक महत्व होता है आपकी डाइट में, ताकि वो आपको क्या करें, एक ओवरऑल जो विटामिन चाहिए रहते हैं वो मिले। क्लियर हो रहा है? लेकिन अब क्या हो रहा है क्रॉनिक हंगर में, जब आदमी आपको क्या देखने को मिलता है, व्हेन पॉवर्टी, व्हेन अ पर्सन इज इनटू द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी, ही और शी इज नॉट एबल टू डाइवर्सिफाई हिज डाइट, तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों एस्पेक्ट पे क्या है, उतना नहीं खाता जितना एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पेट तो भर रहा है लेकिन ही इज नॉट कह सकते हैं सेटिस्फाइंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द बॉडी, एंड दिस टाइप ऑफ हंगर इज नोन एज क्रॉनिक हंगर। ठीक है, पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो इनएबिलिटी पुअर पीपल सफर मोर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, दे आर नॉट एबल टू बाय द गुड्स, और साथ ही साथ क्या है कि मतलब उतना पैसा नहीं है, और दूसरी चीज क्या है, उतना भी नहीं रह रहे जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी, तो हमेशा कहीं ना कहीं भूख रह ही जाती है। क्लियर होगा? अगला क्या है, सीजनल हंगर जो होता है। तो सीजनल हंगर दूसरा तरह का हंगर है, जहां पे एक साल के एक टाइम पीरियड में तो आपके पास खाना है लेकिन साल के दूसरे टाइम पीरियड में आपके पास खाना नहीं है। ठीक है, तो वो जो पीरियोडिक हंगर होता है, और वो कहां देखने को मिलेगा, तो अधिकतर जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे तो जो सीजनल जो लैंडलेस लेबर्स रहते हैं, तो जब फसल वसल निकलती है तब तो उन्हें खाना मिल जाता है, लेकिन जब फसल नहीं होती है, ये सारी चीजें रहती है, तब क्या होता है, तब उन्हें खाना नहीं मिलता है, तब वो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। समझ में आया? तो वो सीजनल हंगर वाला पार्ट हो गया। तो सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, फूड ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग का जो साइकिल चलता है उससे जुड़ा हुआ रहता है आपका सीजनल हंगर। दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरिया बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबरर्स। तो एग्रीकल्चरल साइकिल के चलते क्या होता है कि जब वही फसल निकल के आ रही तब खाने के लिए सफिशियंट है, और अर्बन एरियाज में अगर जैसे देखोगे कैजुअल लेबर्स की, तो कैजुअल लेबर्स का क्या होता है कि जब काम चल रहा है, जब सीजन है उनके काम का, जैसे जो पेंटिंग वेंटिंग का काम करते हैं, तो दिवाली के समय पे उन्हें क्या है, अच्छा काम मिल जाता है तो वो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जब सीजन नहीं रहता, काम नहीं मिलता, तो तब खाने की कमी रहती है, तो फिर उतना मतलब पैसे की कमी रहती, तो उतना अपनी नीड्स को, न्यूट्रिशनल नीड्स को, फूड सिक्योरिटी को वो इंश्योर नहीं कर पाते। इस कारण से क्या होता है, वो सीजनल हंगर से सफर करते हैं। समझ में आया? तो ये हमने क्या पढ़ा, देखो अब यहां तक अगर एक बार रिकॉल करवा दूं, रिकैप करवा दूं, तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी पढ़ लिया, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, हु आर फूड इनसिक्योर। ठीक है, तो किसके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ेगी, अब कैसे इंश्योर कर सकते हो, ये आगे पढ़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कैसे किया जा सकता है, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर में डिफरेंशिएट करो। क्रॉनिक हंगर जो है वो डिफाइन कर दो, सीजनल हंगर डिफाइन कर दो, किसी भी तरह से शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ध्यान रखना कि कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। फिर बात की जाए जैसे व्हाई फूड इनसिक्योरिटी इज देयर, हु आर दी फूड इनसिक्योर्स, तो किसी भी सेंस में क्वेश्चन बने, हु आर दी फूड इनसिक्योर्स, तो हमने अलग अलग ग्रुप्स देख लिए। रीजंस जो है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल, तो कंट्री में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है वो ज्यादा फूड इनसिक्योर है। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि सिर्फ फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने से कुछ नहीं होगा, हमें हंगर एलिमिनेट करना होगा। हंगर के दो डायमेंशन है, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर, वो सारा सब कुछ पढ़ लिया है। तो अब इतनी स्थिति देखने के बाद में सरकार का क्या रवैया वगैरह है वो समझो। अगर तो इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस, तो आजादी के बाद से ही इंडिया क्या कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी में ताक लगाए हुए है कि हाँ हम इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर लें जितना हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस, और इसी कदम मतलब इसी चीज को, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव मतलब कदम उठाती है 1960s में। ग्रीन रेवोल्यूशन समझते हो, चैप्टर 1 में पढ़ा हमने, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली, तो हाई यील्डिंग सीड्स, मॉडर्न मशीनरीज,
इरिगेशन मेथड्स, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमने फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी और वो फूड प्रोडक्शन बढ़ा भी, लेकिन कहां तक कंसंट्रेटेड था वो सिर्फ पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बंपर प्रोडक्शन हुआ, बंपर प्रोडक्शन हुआ तो यहां के लोगों को फूड सिक्योर बनाया गया, यहां जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन से आपने कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी फूड ग्रेन्स सप्लाई किए, लोगों लोग प्रॉस्परस हो गए, लोगों के पास पैसा आ गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, ये सारी चीजें हुई है। ठीक है, तो उसके अलावा लोग वहां के प्रॉस्परस हुए, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वो तो सब वही हुआ, लेकिन उसके अलावा ये कि हमारी कंट्री में हमने फूड प्रोड्यूस कर लिया, तो जो इनसिक्योरिटी की समस्या था उसको सिक्योरिटी की तरफ ले जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इंश्योर किया जा रहा है। तो इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। स्पेसिफिकली ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे आप देखोगे तो द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस जो था इंक्रीज हुआ, इनिशियली वीट का प्रोडक्शन बहुत बड़ा, इसे क्या कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे वीट रेवोल्यूशन, सिमिलरली ऐसे ही राइस प्रोडक्शन में भी रेवोल्यूशन की बात की गई। तो गवर्नमेंट उस समय जैसे इंदिरा गांधी ने और फोकस किया क्या किस चीज पे, कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन दी डाइवर्सिफाइंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, तो वीट के साथ साथ राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ा। ठीक है, द इंक्रीज इन द फूड ग्रेन वॉज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेट, लेकिन ये जो फूड ग्रेन का प्रोपोर्शन मतलब प्रोडक्शन बढ़ा ना वो डिसप्रोपोर्शनेट रहा, वो डिसप्रोपोर्शनेट रहा मतलब, अब मैं आपको समझाता हूं क्या मैंने बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फ्रूट्स थे ना दे वर लिमिटेड टू दी पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहां तक सीमित रह गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट जो थे इनिशियल, आज जैसे देखोगे तो आज ग्रीन रेवोल्यूशन आपको हर जगह देखने को मिल रहा है, सेंट्रल इंडिया में प्रोडक्शन खूब बढ़ रहा है, ये सारी चीजें, लेकिन इनिशियल लेवल पे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की जब बात की गई थी तो कदम उठाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स थे, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा वो डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ा, इट वॉज कंसंट्रेटेड, इट वॉज लिमिटेड अप टू क्या कहेंगे आप, इट वॉज लिमिटेड अप टू पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो उन्हीं पार्ट्स तक सीमित रह गया। ठीक है, उसके बाद में जिस अगर आगे देखोगे एक कदम और आगे बढ़े तो वो हो गया, उसके बाद में क्या हो रहा है कि जो लैंडलेस फार्मर्स वगैरह थे तो उन्हें उसके उतने बेनिफिट्स नहीं मिले ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो तो जो रिच लैंडेड कह सकते हैं फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स भी थे जिनकी खुद की जमीन थी तो उन्हें ज्यादा फायदा मिला, समझ में आया। फिर क्या है, क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस डिसप्रोपोर्शनेट ऐसे भी हैं कि वीट और राइस का तो खूब प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जीवन में सिर्फ वीट और राइस थोड़ी ना खाएगा आदमी, मैंने क्या बोला कि क्रॉनिक हंगर में वो एस्पेक्ट भी होता है जब आप क्वालिटेटिव फूड ग्रेन क्वालिटेटिव डाइट को इनटेक नहीं कर रहे हो तो आपको दूसरी फूड क्रॉप्स भी तो चाहिए रहेंगी, उनका प्रोडक्शन कब बढ़ेगा। ठीक है, तो वो वाला पार्ट यहां पे आ रहा है कि डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से क्या होता है, द इंक्रीज इन द फूड ग्रेन वॉज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेट, तो मैंने आपको समझा दिया सारे डायमेंशंस। ठीक है, तो ये इतना यहां तक क्लियर है कि फूड सिक्योरिटी क्या है, कौन फूड इनसिक्योर है, क्यों फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी है, इंडिया में क्या कदम लिए गए, वो अब हम आगे और डिटेल में समझेंगे। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जो है तो उसका मैंने एस्पेक्ट आपको वहां तक कवर करवा दिया है। ठीक है, हंगर जो है तो हंगर को खत्म करने के लिए इंडिया में जो हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे थे तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्लियर है। तो यहां तक सारी चीजें अगर हमने पढ़ ली है तो अब हम अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट में चल रहे हैं, मतलब ये बेसिक्स आपने पढ़ लिए चैप्टर के, अब बेसिक्स के बाद में आप क्या करते हैं एडवांस पे चलते हैं, मतलब एडवांस ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक्स के बाद हम अब टॉपिक स्पेसिफिक बात करेंगे। टॉपिक स्पेसिफिक बात कैसे करेंगे, अब हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ेंगे तो इंडिया में क्या फूड सिक्योरिटी के लिए कदम उठाए गए हैं, आर वी फूड सिक्योर, यहां से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। चलो दो मिनट के लिए वीडियो मतलब वीडियो देखते रहो, लेकिन एक सवाल आपके सामने दिया गया, ऐसे मानो कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, आर वी फूड सिक्योर, क्या हम हमारे देश में फूड सिक्योर है, मतलब इतना सफिशियंट फूड हम प्रोड्यूस करते हैं कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोड्यूस कर दिया है, हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप से कुछ है क्या स्थिति, बताओ आर वी फूड सिक्योर, क्या हम फूड सिक्योर हैं। तो आप बोलोगे हाँ कि फूड सिक्योर तो है सर, खाने की कमी थोड़ी ना, सबको खाना मिल रहा है हमारे देश में, आप देखो हमारे देश में तो हमने क्या करके रखा है कि आप पीडीएस सिस्टम चलता है, इतने सारा फूड ग्रेन्स वगैरह स्टॉक करके रखा है, सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ वो एक डायमेंशन है, दूसरे डायमेंशन और भी है, देर आर वेरियस एरियाज वेयर वी आर इनसिक्योर। ठीक है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारे को क्या दिया है, देखो एडवांटेज की बात आए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के खूब एडवांटेज भी लिख देना, डिसएडवांटेज की बात आए तो आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ाई है, डिसएडवांटेज भी है, फर्टिलिटी वगैरह खत्म हो गई सॉइल की, ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा आए तो माथा देखो तिलक लगाओ, जैसा क्वेश्चन आएगा उसकी नीड के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा, समझ गए। तो आर वी फूड सिक्योर नाउ, तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो बुरी से बुरी स्थिति में भी क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में फेमाइन जब मतलब क्रॉप फेलियर्स हुए, ड्रॉट भी आई है, लेकिन हमने फेमाइन नहीं ऑब्जर्व करी, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमने भुखमरी वाली स्थिति नहीं देखी कि लोग खाने के मतलब
खाना ना होने के कारण लोगों की जान जा रही है, तो फेमाइन वाली सिचुएशन नहीं आई है, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो समवेयर और द अदर वी हैव डॉज द वर्स्ट फेस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। जो वर्स्ट फेस हो सकता है फूड इनसिक्योरिटी का, ठीक है, वो हमने डॉज कर दिया बिकॉज वी हैव इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी आफ्टर द ग्रीन रेवल्यूशन। ठीक है, तो आर वी फूड सिक्योर, तो टू एन एक्सटेंड वी आर फूड सिक्योर, टू एन एक्सटेंड वी आर फूड सिक्योर फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन। द फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाई इंडियन गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन टू कॉम्पोनेंट्स, और ये हमने कैसे इंश्योर कर पाए कि हाँ हम फेमाइन जैसी सिचुएशन देश में नहीं आने देंगे, भूखमरी ऐसी नहीं आने देंगे कि लोग स्टार्वेशन के कारण, भूख के कारण लोगों की जान जा रही, जैसे बंगाल फेमाइन में हुआ, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और वो कैसे इंश्योर कर पाए हम, वो इंश्योर कर पाए, या फिर फूड सिक्योरिटी जो है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है, इट इज बेस्ड ऑन टू डायमेंशंस। व्हाट आर दोस टू डायमेंशंस? बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, बफर स्टॉक क्या है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, ये पॉइंट समझो। यहाँ पे बफर स्टॉक की बात की जाए तो बफर स्टॉक, देखो एक एक से समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ कि आपने क्या, चलो आई जाते हैं ना यहाँ पे, तो वॉट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या, देखो सिंपल चीज, बफर स्टॉक मतलब क्या कि किसी भी चीज का स्टॉक कर लेना। अब यहाँ फूड सिक्योरिटी की बात करें तो स्टॉक किसका करोगे, मोबाइल का तो करोगे नहीं, ठीक है, फूड ग्रेन्स का स्टॉक करोगे ना, तो वो फूड ग्रेन्स का स्टॉक करेंगे, तो फूड ग्रेन्स का स्टॉक करना ही बफर स्टॉक होता है। और बफर मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ, जैसे बफर का कॉन्सेप्ट जो है ना, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म होता है बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये इंडिया है, ये चाइना है, इंडिया चाइना के बीच में जैसे नेपाल है, तो नेपाल को क्या कहा जाता है पता है, बफर स्टेट कहा जाता है। फाइन, तो अब यहाँ पे बफर का मतलब वही होता है कि दो यूनिट्स के बीच में क्या है, एक जो कह सकते हैं नो मैन्स लैंड टाइप से एरिया हो जाता है, नो मैन्स लैंड नहीं कहेंगे, मतलब तीसरा, दो यूनिट्स के बीच में एक तीसरा यूनिट जो है, तो ये बफर कहलाता है। अब यहाँ पे बफर स्टॉक फूड सिक्योरिटी में कैसे, किस लिए कहा जा रहा है उसको मैं बता रहा हूं। तो ये आप हो, ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स की नहीं, मतलब ये इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स की नीड्स होंगी फूड ग्रेन को लेकर, ठीक है, इंडिविजुअल्स की नीड्स होंगी, और यहां जैसे अगर आप देखो तो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स की नीड्स होगी फूड ग्रेन को लेकर, और यहां जैसे अगर आप देखोगे तो यहां क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन, तो आपको जितना ग्रेन अवेलेबल चाहिए और जो आपकी नीड है उसके बीच में आप क्या करके लेके चल रहे हैं, एक मार्जिन लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो एक मार्जिन जो हम लेके चलते हैं ना वो बफर कहलाता है, तो दैट मार्जिन ऑफ द स्टॉक of food grains is known as buffer stock. The stock of food grain is known as buffer stock. ठीक है, इसे buffer stock कहा जाएगा। समझ में आ गया buffer stock क्या है? तो अब buffer stock कैसे ensure करेंगे? कहाँ करेंगे? कौन करेंगे? तो ये अब multiple questions बन सकते हैं कि who will ensure buffer stocks? ठीक है? How you will ensure buffer stocks? ठीक है? तो ये question बनता है कि आप ये कैसे ensure करोगे कि sufficient amount में food grains जो है आपके पास available हो, वो आप कैसे सिक्योर करोगे, कैसे इंश्योर करोगे। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ये एक एक कीवर्ड्स हैं, जो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव वगैरह की तैयारी कर रहे हो, NTSC दोगे, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना होगी, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। बफर स्टॉक कैसे इंश्योर किया जाता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो खाने की मतलब फूड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ही करेगी, तो अब सरकार करेगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मोदी जी जाके क्या करेंगे, लोगों के घरों में राशन भर भर के आएंगे, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, तो अब ये भी नहीं कि वो अपने घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली खेती करेगा किसान, और किसान जो फूड ग्रेन पैदा करेगा उसी फूड ग्रेन को हर इंसान तक पहुंचाया जाएगा, इसीलिए किसान महान है, ठीक है। क्या कि अगर एक किसान ना हो तो फिर बताओ आप कैसे देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि किसानों ने क्या किया, अपने अपने खेतों में ग्रेन्स ग्रो कर लिए, तो उन्हीं ग्रेन्स से आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर करोगे। अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का एक ऑर्गन, जैसे अगर आप देखोगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की एक बॉडी क्या करती है, इट प्रोक्योर्स द फूड ग्रेन्स वीट राइस फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन। तो अब जैसे फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया वीट और राइस, अब फार्मर्स ने अपनी नीड के लिए जितनी जरूरत थी तो उतना तो अपने घर में रख लिया खाने का, अब जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ तो फार्मर्स उनका क्या करते हैं, वो सरप्लस प्रोडक्शन जो रहता है, ध्यान आया, सरप्लस प्रोडक्शन, तो द एक्सेस प्रोडक्शन आफ्टर मतलब कह सकते हैं आफ्टर पार्किंग द नीड ऑफ द फैमिली, द एक्सेस प्रोडक्शन इज नोन एज सरप्लस। तो वो जो सरप्लस है तो वो सरप्लस प्रोडक्शन को फार्मर्स बेचेंगे, वो मार्केट में बेचते हैं। अब क्या होता है, सरकार खुद उनसे बोल रही है कि हम आपसे खरीदेंगे ना, और सरकार वो बोलते हैं सरकार को तुम्हें क्यों दें हम, ठीक है, तो सरकार क्या बोलती है कि We will give you the specific amount. हम आपको पैसे देंगे, मतलब वो तो वहां भी दे रहा कौन पैसे, मार्केट में भी कोई ना कोई ट्रेडर खरीदेगा तो पैसे नहीं देगा। तो सरकार क्या बोलती है कि we will procure your food grains, your surplus production on a pre-announced price
विच इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ध्यान रखना एक एक शब्द क्या हो रहा है। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए दो डायमेंशन पे काम किया गया, बफर स्टॉक और पीडीएस। बफर स्टॉक मतलब क्या है कि पहले तो सरकार अपने पास स्टॉक बनाती है। सरकार कैसे स्टॉक बनाती है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज खरीदता है, ठीक है, जो सरप्लस प्रोडक्शन रहता है। और वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसे खरीदेगा, ऑन अ प्री अनाउंस्ड प्राइस विच इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या करती है सरकारें, एक तरह से अनाज खरीदती है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकारें अनाज खरीदती है। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या, वो समझ लो कि सरकारें बोलती है कि हम आपको कम से कम इतने पैसे देंगे। ठीक है, कम से कम इतने पैसे देंगे, इससे अगर कोई ज्यादा दे रहा है आपको तो आप उसको बेच देना। और सरकार जो कम से कम रखती है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे मतलब ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं कि मार्केट में मान लो कोई ट्रेडर, जैसे आप ट्रेडर को बेचने जाओगे तो ट्रेडर देखेगा ऐसे गेहूं, बोलेगा कि 1800 रुपए दूंगा मैं, तो अगर आप फंसे में ऐसे हो कि आपको तुरंत पैसे चाहिए तो आप उसको ट्रेडर को 1800 में बेचोगे। लेकिन सरकार क्या बोलती है कि आप क्या करो, आप अगर स्टॉक बचा के रखोगे तो वी विल बी प्रोक्योरिंग फ्रॉम यू एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज पर क्विंटल, जैसे वीट का बता रहा हूं मैं। और जब सरकार ने कह दिया कि मैं 2000 रुपए क्विंटल वीट खरीदूंगी आपसे, तो सरकार ने क्या कर दिया, आपने फसल बोई नहीं है उससे पहले ही सरकार ने आपको बता दिया, सरकार ने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एफसीआई ने प्री अनाउंस कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज 2000, अगर इससे ऊपर कोई आपका गेहूं खरीद रहा है तो बेच दो, नहीं तो वी आर देयर, वी विल बी बाइंग योर गुड्स ऑन एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज पर क्विंटल। तो इससे क्या होता है, इससे आपको देखने को मिलता है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। ठीक है, इससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर, सॉरी इससे फूड सिक्योरिटी नहीं, इससे फार्मर्स की इनकम में स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाती है कि फार्मर्स हैव द क्लियर आइडिया अबाउट दिस, क्या कि अगर मेरे 100 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या होगा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार 2000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है, तो आपको 2 लाख रुपीज की इनकम हो गई है। ये समझ में आया, तो ये केस रहता है ना प्री अनाउंस प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी जिसे कहा जाता है, जो सरकार अनाउंस करती है कि हम कम से कम इस कीमत पर आपके ग्रेन जो है वो खरीदेंगे, फूड ग्रेन जो है वो खरीदेंगे। समझ गए, ये चीज रहती है। तो अब बट वाई बफर स्टॉक्स आर क्रिएटेड, अब जैसे अगर आप देखोगे तो अब ये खरीद लिया, खरीद के सरकार क्या करेगी, ऐसा तो नहीं कि पूरा खुद खा लेगी सरकार, तो ये खरीदने के बाद में परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े गोडाउन होते हैं सरकार के, तो वेयर हाउसेज जैसे जो होते हैं, सरकार के भी होते हैं और दूसरे लोगों के भी होते हैं। वेयर हाउस में अगर सरकार स्टोर करती है तो उनको किराया देती है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है फिर ये सारा फूड ग्रेन जो प्रोड्यूस किया, प्रोक्योर किया है, प्रोड्यूस किया किसानों ने, प्रोक्योर किया सरकार ने, एफसीआई ने ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो प्रोक्योर किया गया इसे क्या कर लिया जाता है, फूड ग्रेन्स में स्टोर कर लिया, इन फूड ग्रेन्स को ग्रेनरीज में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स विच इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स, ठीक है, ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड दीज फूड ग्रेन्स आर स्टॉक्ड इन द ग्रेनरीज, दिस इज नोन एज बफर स्टॉक। समझ गए, तो ये कहानी जिसको समझ में आ गई वो यहां स्लाइड पे 2 मिनट में डेफिनेशन बना लेगा। ठीक है, तो ये बफर स्टॉक बन गया। अब व्हाई बफर स्टॉक आर क्रिएटेड, पॉइंट है इतना स्टोर क्यों कर रहे हो, ठीक है, इतना स्टोर क्यों कर रहे हो, सरकार विदेश नीति संभालो, ठीक है, फूड ग्रेन क्यों स्टोर कर रहे हो। तो अब देखो ये फूड ग्रेन जो स्टोर किया है, ये फूड ग्रेन क्या करेगा, यही फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा कि कल को अगर सिचुएशन वर्स्ट केस में जाती है तब ये जो स्टोर किया हुआ फूड ग्रेन है इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जा सकती है, लोगों तक खाना पहुंचाया जा सकता है। तो दीज बफर स्टॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, तो दी बफर स्टॉक द फूड ग्रेन इन दी बफर स्टॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डेफिसिट एरिया इन अमंग दी पुअरर स्ट्राटा ऑफ दी सोसाइटी। तो जिसमें बताया आपको कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी है, लेकिन जो फ्रूट्स हैं तो वो सीमित रह गए कहां तक, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स जो है तो वो सीमित रह गए पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक। दूसरी जगह जो है जो डेफिसिट एरिया है, डेफिसिट एरिया मतलब जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहां खाना कैसे जाएगा, तो सरकार ने जो स्टोर करा है इसको फिर वहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, पुअरर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उन लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है इन बफर स्टॉक्स के थ्रू। सो दिस इज द रीजन व्हाई बफर स्टॉक्स आर क्रिएटेड। समझ रहे हो, ये जो स्लाइड्स मैं बनाता हूं ये स्लाइड सिर्फ एक्सप्लेनेशन की नहीं होती है, पूरा का पूरी एक कहानी होती है। एंड यू कैन डाउनलोड दीज स्लाइड्स, ये पीडीएफ जो है एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम दी टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, हाँ, सोशल स्कूल वाला, सिर्फ सोशल स्कूल ऐसा। ठीक है, कुछ डुप्लीकेट चैनल्स भी वहां नहीं जाना, मतलब सोशल स्कूल विथ दिगराज वगैरह, ये जो दूसरे फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं इनसे, इन पे नहीं जाना है, मतलब मल्टीपल वो कह सकते हैं फेक चैनल्स बन गए, लेकिन आपको सोशल स्कूल वाला जो टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन करना है। तो यू कैन डाउनलोड दीज स्लाइड्स ऑल्सो। तो वाई बफर स्टॉक्स आर क्रिएटेड, तो फूड ग्रेन्स इन बफर स्टॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डेफिसिट एरिया एंड अमंग द पुअरर स्टेट ऑफ सोसाइटी, द फूड ग्रेन्स आर सोल्ड एट अ प्राइस मच
लोअर देन दी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि फूड ग्रेन जो बेचे जा रहे हैं तो ये मच लोअर प्राइस पे बेचे जाते हैं। और जैसे सरकार ने क्या किया, अच्छे से समझना। अब यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहना नहीं है। जैसे क्या हो रहा है कि बफर स्टॉक क्रिएट करना है, फाइन, बफर स्टॉक क्रिएट करना है, तो इस बफर स्टॉक के लिए क्या करेगा, सब प्रोक्योरमेंट वगैरह सरकार करेगी। अब सरकार ये प्रोक्योरमेंट कैसे करती है, किससे करती है, फार्मर्स से। तो फार्मर्स को सरकार तो पैसे पूरे पूरे देगी ना, पूरे पूरे, इनफैक्ट ज्यादा पैसे देती है इसे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स किया जाता है तो वो रिलेटिवली मार्केट प्राइस से थोड़ा ज्यादा ही रखती, ताकि कोई भी मार्केट में ना बेचे, सरकार कोई दे, ठीक है। तो फार्मर से परचेस करेगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने वीट का एग्जांपल लिया, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से, मतलब 2000 रुपीज क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। तो 2000 रुपीज क्विंटल के हिसाब से प्रोड्यूस किया, 20 रुपीज केजी के हिसाब से। और अब सरकार क्या करेगी, ये फूड ग्रेन को स्टोर करेगी, स्टोर करने का मान लो 2 रुपया लग गया, ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह 3 रुपया लग गया, तो सरकार को ये पूरा का पूरा फूड ग्रेन जो है 25 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, 25 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है। और ये 25 रुपए केजी के फूड ग्रेन को सरकार क्या करेगी, इसको सप्लाई करेगी कहां तक, जहां डेफिसिट एरियाज है, जहां जो सोसाइटी का पुअर स्ट्राटा है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो 25 रुपए केजी, तो फिर जो पुअर स्ट्राटा है वो मार्केट से खरीद ले, शायद सस्ता मिल जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन और ये स्टोरेज का कॉस्ट तो ऐड नहीं होगा उसमें। तो सरकार 25 में नहीं बेचेगी, समझ रहे हो, डेफिसिट एरियाज में अगर सरकार पहुंचा रही है, पुअर स्ट्राटा तक लोगों तक अगर फूड ग्रेन्स पहुंचा रही है सरकार, तो 25 रुपए में नहीं पहुंचाएगी। सरकार क्या करेगी, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था वो सरकार ने अपने सिर लिया कि 25 रुपए केजी के हिसाब से हम खरीद लेंगे, ठीक है, मतलब पर क्विंटल 2500 रुपए केजी के, 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद जरूर लिया है, लेकिन सरकार जब बेचेगी ना तो वो 3 रुपए में ही बेच देगी। अब बोलोगे सर ये तो लॉस है, तो एक चीज ध्यान रखना कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रॉफिट और लॉस के परस्पेक्टिव से काम नहीं कर रही है, वो सर्विस मोटिव के परस्पेक्टिव से काम करती है, ठीक है। सरकार जो लोगों से हमसे टैक्स लगाती है, टैक्स क्यों लेती है, ताकि वो क्या कर सके, लोगों तक फैसिलिटीज पहुंचा सके, ठीक है। तो यही होता है कि 25 रुपए केजी में फूड ग्रेन प्रोक्योर किया और उसको बेच दिया 3 रुपए केजी में, समझ में आया। तो ये केस रहता है, ये काम होता है बफर स्टॉक का, और ऐसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। तो ये जो फूड ग्रेन्स स्टोर किए, तो द फूड ग्रेन्स आर सोल्ड एट अ प्राइस मच लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो ये सब खरीदना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, और उसके बाद में इन फूड ग्रेन्स को मच लोअर प्राइस में बेच दिया जाता है, ठीक है, मच लोअर प्राइस में बेच दिया जाता है। एंड दिस प्राइस एट विच द फूड ग्रेन्स आर सोल्ड, ये प्राइस क्या कहलाता है, जिस प्राइस पे बेचा जाता है, इस प्राइस को कहा जाता है इशू प्राइस। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सरकार ऐसा करती क्यों है, इशू प्राइस समझ में आया, प्रोक्योरमेंट प्राइस मतलब सरकार जिस प्राइस पे खरीद रही है, एमएसपी जो दे रही है, किसको, किसानों को, लेकिन जब वो फूड डेफिसिट एरियाज में बेचेगी तो वो इशू प्राइस कहलाएगा, ठीक है, जो कि काफी कम होगा। तो व्हाई डज द गवर्नमेंट डू सो, सरकार ये इतना बड़ा स्टंट करती क्यों है, सवाल यह आता है कि व्हाई डज द गवर्नमेंट डू सो, सरकार ऐसा क्यों करती है। तो देखो, तो व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब हाँ, व्हाई डज द गवर्नमेंट डू सो, तो ये भी बता दूं मैं, इसका कारण सिंपल सा रहेगा, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो जो लोग खरीद नहीं सकते हैं, मतलब पहली बात तो क्या है, अवेलेबल तो है फूड ग्रेन, लेकिन एक्सेसिबल है क्या, तो सरकार ने क्या करा, एक जगह से फूड को इकट्ठा करके दूसरी जगह पहुंचाया, एक्सेसिबल बनाया। दूसरी चीज क्या, अफोर्डेबल है क्या, तो सरकार उसको अफोर्डेबल बना रही कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो भी क्या कर सके, खाना खरीद सके, ठीक है। तो सरकार इसलिए करती है। अब व्हाई डज द गवर्नमेंट डू सो, तो समझ में आ गया कि सरकार ऐसे खाना इसलिए कर रही ताकि सब तक खाना पहुंच सके, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए। अब दूसरा सवाल यहां पे ये भी आता है कि हाउ डज द गवर्नमेंट डू सो, ठीक है। अब सरकार ने स्टोर कर लिया है, स्टोर करने के बाद मतलब स्टोर कर लिया, बफर स्टॉक बना लिया, वहां तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हर घर तक हम खाना कैसे पहुंचा पाएंगे, ठीक है, हर घर तक हम खाना कैसे पहुंचा पाएंगे, वो एक पॉइंट रहता है। तो हर घर तक हम खाना कैसे पहुंचा पाएंगे, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये समझना है आपको, व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो द फूड इज, हाउ इज द फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू नीडी, रुक जाओ जरा 2 मिनट, यहां तक क्लियर है। ये जैसे आपने बफर स्टॉक देखा होगा ना, सरकार कैसे ग्रेनरीज के बड़े बड़े बोरे थे सारा सब कुछ। अब मैंने आपको ये तो बता दिया सरकार कर क्यों रही है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। अब कैसे करती है, तो वो करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। सवाल आपके मन में कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम क्या होता है। देखो कि बफर स्टॉक ये है, ठीक है, बफर स्टॉक ये है,
जहां पे क्या है बफर स्टॉक में सारा फूड ग्रेन इकट्ठा हो गया है, लेकिन इकट्ठा करके रखना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिमोटेस्ट एरिया में एंड टू द पुअरेस्ट पीपल इन लोगों तक पहुंचाना भी है। तो इन लोगों तक खाना पहुंचेगा कैसे, इन लोगों तक खाना पहुंचेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो वो सिस्टम जिससे क्या हो रहा है, जिससे लोगों तक खाना पहुंच पा रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है, समझ गया, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। तो व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो अब वो समझते हैं, देखो, तो हाउ इज फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी, नीडी इंडिविजुअल्स तक फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू द नीडी थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड रेशन शॉप। तो FCI ने फूड प्रोक्योर कर लिया, बफर स्टॉक क्रिएट कर लिए, सारा सब कुछ कर लिया, इश्यू प्राइस पे बेचेगी भी, और वो बेचेगी कैसे, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट रेगुलेटेड रेशन शॉप जो होते हैं ना, रेशन शॉप देखे जिन्हें फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, ठीक है, तो इन रेशन शॉप्स, इन फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू क्या होता है, सरकार जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन तक खाना पहुंचाती है। तो दिस सिस्टम इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस सिस्टम को PDS कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। तो रेशन शॉप्स आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स, रेशन शॉप्स को ही फेयर प्राइस शॉप्स कहा जाता है। अब क्या होता है, एनी फैमिली विद अ रेशन कार्ड, रेशन कार्ड देखा आपने, आपके राशन कार्ड में नाम होगा, तो राशन शॉप्स में क्या होता है, राशन शॉप्स में आपको राशन कार्ड लेकर जाना पड़ता है, फाइन, हर मतलब जैसे आप देखेंगे तो राशन कार्ड के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, किसी का राशन कार्ड ऐसा होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, किसी का अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, किसी का अंतोदया वाला राशन कार्ड होता है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, तो उस तरह से क्या होता है, सबके राशन कार्ड होते हैं। तो एनी फैमिली विद राशन कार्ड कैन बाय अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स, जैसे 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 liter ऑफ केरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर एक्सेट्रा एवरी मंथ फ्रॉम दी नियर बाय राशन शॉप, ठीक है, मतलब ऐसे लिमिट इसलिए लगाई, नहीं तो लोग क्या करेंगे, राशन शॉप से खरीदेंगे और मार्केट में बेच देंगे, क्यों, क्योंकि उनको तो मार्केट से कम रेट पे मिल रहा है, अब बिजनेस हो जाएगा फिर तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते लिमिट लगाई जाती है, और इंसान खाने के लिए इतना ही खाएगा बस, अगर उसको बिजनेस ही करना है कि इधर से 3 rupees में खरीद के उधर 18 rupees में बेच देंगे और बोल देंगे दिस इज बिजनेस, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो राशन शॉप्स में क्या करती है, गवर्नमेंट राशन कार्ड जो इशू करती है, उन राशन कार्ड की मदद से लोग राशन शॉप पे जाके क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स खरीद सकते हैं। तो अब जैसे अगर आप बात करोगे, ये यारो यहां जरूरत नहीं है, ठीक है, राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है, जिनके पास में राशन कार्ड होते हैं तो वो राशन कार्ड से ये सारा फूड कमोडिटीज खरीद सकते हैं। 3 तरह के राशन कार्ड होते हैं, अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, BPL कार्ड फॉर दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड APL कार्ड फॉर ऑल अदर्स, ठीक है। तो 3 तरह के कार्ड होते हैं, एक अंत्योदय कार्ड होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, BPL कार्ड होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं उनके लिए, और APL मतलब फॉर ऑल अदर्स अबव पॉवर्टी लाइन वाले। तो 3 तरह के कार्ड, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अंत्योदय कार्ड जिनके पास रहते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट्स, BPL वालों को उनसे थोड़ा कम बेनिफिट, ठीक है, और APL को बेनिफिट रहता है लेकिन उतने ज्यादा बेनिफिट नहीं रहता जितने BPL और अंत्योदय कार्ड के लोगों को होता है, ठीक है। तो अब ये कार्ड जो होते हैं, कार्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए, बेनिफिट्स इवॉल्व हुए, वो समझो। अब ये रैशनिंग लाए क्यों गए, मतलब समझ आ गया ना, क्या है PDS, क्या है बफर स्टॉक, क्या है। तो PDS क्या है, once the FCI had made the buffer stocks, now the question over here is that how you will supply these food grains to the individuals, and to supply the food grains to the individuals, government on, मतलब कह सकते हैं, FCI on behalf of government channelize all these food grains to the people, to the needy people, with the help of government regulated shops which are known as ration shops or fair price shops, and this whole system, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो क्रिएट हुआ है, इस पूरे का पूरा सिस्टम को आप क्या कहते हैं, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। इस पूरे सिस्टम को आप क्या कहेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये पूरी कहानी है। अब आगे अगर पढ़े हम, तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया क्यों गया, ठीक है, पॉइंट ये है कि why did we introduce this public distribution system? तो ध्यान देना कि बंगाल फेमाइन जब आया 1940s का, to be more precise, 1943 हमने देखा, तो उस बंगाल फेमाइन में एक चीज समझ में आ गई कि अगर खाना मतलब अगर आप स्टॉक बना के नहीं रखोगे तो लोगों की बहुत जाने जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर कोई कैलामिटी आती है तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो बंगाल फेमाइन के बाद में हमें सीख लगी, उस समय तो ब्रिटिशर्स ही थे, तो उन्होंने ऐसा जैसे अब क्या है कि रैशनिंग सिस्टम चालू करके गए। तो रैशनिंग सिस्टम वॉज रिव्यूड इन द वेक ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960s पीरियड फॉर दी प्रायर टू द ग्रीन रेवल्यूशन। तो एक तरह से रैशनिंग सिस्टम को रिव्यू करने की कोशिश की गई, जहां पे आप क्या देखेंगे, जहां पे स्टॉक बना के रखा जाएगा और जिन लोगों को जरूरत होगी उन तक फूड सप्लाई किया जाए। मतलब 1960s वाला डिकेड जो था, वहां पे भी फेमाइन जैसी सिचुएशन आई थी। इंडिपेंडेंस के बाद भी एक बार, जैसे आप क्या देखोगे, हमने 2 लड़ाइयां लड़ी, तो वैसे ही देश में फाइनेंसेस की कमी थी, तो उस टाइम, और हमारे पास, देखो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ क्या है,
कि 1960s का टाइम था, 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, फिर उस समय पे, मतलब उसे डेंजरस डिके भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, फेमाइन वगैरह आ गई, मतलब उस समय पे क्या ड्रॉट्स वगैरह आ गई, तो फूड प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग उस समय पे भुखमरी के कारण तब भी मरे थे इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है, और हम अमेरिका के पास गए थे, अमेरिका से हमने फूड ग्रेन्स मांगे थे, तो अमेरिका ने हमें क्या दिया था फूड ग्रेन्स के नाम पे, जो उनके यहाँ जानवरों को खिलाए जाने वाला जो फूड ग्रेन होता है वो दे दिया था, ठीक है, मतलब उस क्वालिटी का वीट दिया था, ठीक है, लेकिन समय सबका बदलता है, आज हमारे पास इतना फूड स्टॉक है, ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑन दिस, आज हमारे पास इतना फूड स्टॉक है कि हम अमेरिका को बिठा के 5 साल तक खिला सकते हैं, ठीक है, बोल देंगे तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, हम बड़ा दिल रखते हैं, ठीक है, तो उस तरह से क्या है, खैर समय समय की बात होती है, तो उस समय पे सिचुएशन बहुत बिगड़ी थी, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए रैशनिंग सिस्टम को रिव्यू किया गया, और ये और फिर तभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा आया कि कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, पहले फूड सिक्योर, ठीक है, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, ये लो तुम्हारी गठरी माला, तो हमने ये बोला कि बाकी सारा सब कुछ नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ तभी चलेगा जब इंसान के पास फूड सिक्योरिटी होगी, तो फिर गवर्नमेंट ने स्पेशल एम्फेसिस दिया ग्रीन रेवोल्यूशन पे, एमएस स्वामीनाथन वगैरह जैसे अगर आप देखोगे तो पूरा प्रयास किया जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ ग्रेन्स लाके, बड़े डैम्स वगैरह जो थे तो उससे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके फिर हमने प्रोडक्शन किया बंपर, ठीक है, वो चीज थी, तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इसके चलते कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस के चलते वी थॉट दैट वी शुड इंट्रोड्यूस रैशनिंग सिस्टम, बफर स्टॉक्स वगैरह क्रिएट करना चालू किए गए, अब ड्यू टू हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल्स एज रिपोर्टेड बाय NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस, ठीक है, और इसी के चलते क्या है 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए थे, हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल था, फूड इनसिक्योरिटी थी, उन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए, तो जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए वो क्या क्या थे, पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये PDS, ताकि रेशन शॉप्स के थ्रू क्या किया जा सके, हर इंसान तक खाना पहुंचाया जा सके नीडी तक, दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, अब हमने क्या देखा कि फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर लेंगे हम, जैसे PDS वगैरह ये एक चीज पे फोकस किया, साथ ही साथ क्या चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में आपने क्या है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं महिलाओं तक, जो कह सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह उनके लिए फैसिलिटीज, जो बच्चे पैदा हुए नवजात शिशु उनके लिए आंगनवाड़ी वगैरह, तो क्योंकि कल को यही कंट्री का असेट बनेंगे ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फिर क्या है फूड फॉर वर्क, और दूसरी चीज क्या है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, तो ये है कि सिंपल आदमी अगर पैसा कमा रहा होगा मेहनत कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने खाने की जुगाड़ खुद कर लेगा, आप किसी को दो वक्त का खाना दे रहे हो उससे अच्छा ये सिखा दो उसे कि दो वक्त का खाना कमाया कैसे जाता है, वो अपने आप फिर क्या कर लेगा अपनी व्यवस्था कर लेगा, क्योंकि आपने उसे ये सिखा दिया कि खाना कमाया कैसे जाता है, ठीक है, तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है FFW जो है फूड फॉर वर्क, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो दीज वर दी एरियाज, ठीक है, ओवर वेयर हाई इंफेसिस वॉज गिवन, ठीक है, तो इन एरियाज पे बहुत ज्यादा हाई इंफेसिस दिया, एंड ड्यू टू द हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड बाय NSSO, 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट फूड प्रोग्राम्स जो है फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स PAPs, ठीक है, और इनके एडवांटेजेस क्या है, तो जिसे अगर आप देखेंगे पॉवर्टी एज ए चैलेंज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा पॉवर्टी एज ए चैलेंज वाले चैप्टर में, कि अलग अलग तरह के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है, ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो वो जो सारे अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉवर्टी खत्म की जाए, क्लियर हो रहा है, तो आप रैशनिंग को फूड सिक्योरिटी को देख सकते हो कि कैसे ओवरऑल वेज में पॉवर्टी को खत्म करने की बात की जा रही है, किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो PDS के साथ में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फूड फॉर वर्क, इन सारे प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया सो दैट पॉवर्टी कैन बी एलिवेटेड, और पॉवर्टी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर लोगे, ठीक है, तो ये पूरा वो था PDS सिस्टम था। अब देखो आपने क्या किया, अब ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, करंट स्टेटस ऑफ PDS, ये जो टॉपिक पढ़ोगे आप, तो इस टॉपिक में आपको एक चीज समझना होगा अच्छे से कि आपने ये देखा क्या सही है क्या गलत है, मतलब फूड सिक्योरिटी में क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, वो देखने के बाद में आपने दूसरी चीज देखी कि हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कैसे कर सकते हैं, वो इंश्योर भी कर लिया, मतलब आपने गाड़ी देखी है, एक गाड़ी खरीद भी ली है, अब वो गाड़ी चलने के बाद में आप देख रहे हो कि मतलब आज कैसी चल रही है वो गाड़ी, वो ठीक है, वो गाड़ी कैसी चल रही है वो देख रहे हो अभी आप, उसके पॉजिटिव नेगेटिव फिर लास्ट में देखेंगे, तो गाड़ी कैसे चल रही है, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आज किस स्थिति पे आज किस लेवल पे है वो समझते हैं यहां पे। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनिशियली दी PDS कवरेज वॉज यूनिवर्सल, इनिशियली क्या था कि PDS कवरेज जो था वो यूनिवर्सल था, कैसे यूनिवर्सल था कि हर वो इंसान
जिसको खाना चाहिए वो आए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसको खाना मिल जाएगा, ठीक है, सस्ते कीमत पे, मतलब वही इंसान जाएगा जिसको जरूरत होगी, ठीक है। तो पहले ये क्या था, ये यूनिवर्सल था। फिर 1992 में क्या है, रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS लाया गया 1992 में। अब ये रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कहता है, देखो तो 1992 में रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते दे टारगेटेड रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, 1700 ब्लॉक्स जो है पूरी कंट्री में, ठीक है, मतलब 1700 ब्लॉक्स मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स रहते हैं ना तहसील लेवल पे, तो 1700 ऐसी पुरानी मतलब 1700 ऐसी तहसील जो है ब्लॉक्स जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया गया जो रिमोट है और बैकवर्ड है, और उन्हें क्या किया गया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है RPDS मतलब PDS को चेंज करके RPDS कर दिया कि अब उन तक खाना पहुंचाएंगे, उन्हें बेनिफिट्स पहले पहुंचना चाहिए। मतलब आपने क्या करा, अब ये देख लिया कि अब फूड सिक्योरिटी में जो लोग सक्षम है उनको हटाओ, ठीक है, जिन्हें जरूरत है उन्हें पहले दो। तो रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाए गए फ्रॉम जून 1997, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जून 1997 से TPDS स्टार्ट किया गया। टारगेटेड मतलब क्या है, तो टारगेटिंग दी पुअर इन ऑल एरिया, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं रिमोट और बैकवर्ड एरियाज के अलावा भी हम क्या करेंगे, TPDS में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाएंगे कि जो जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, टारगेटेड ग्रुप्स मतलब कि जिन्हें सच में जरूरत है खाने की, जो सच में इनसिक्योर है उन तक हम बेनिफिट देंगे PDS के। तो ऐसे देख रहे हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में क्या, फिर फर्दर इन 2000 एंड 2002 टू स्पेशल स्कीम्स वेयर लॉन्च्ड, कौन कौन सी स्पेशल स्कीम्स, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा अन्न योजना, ठीक है, दी टू स्कीम्स वर लिंक्ड विद दी एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ PDS, तो जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ PDS है उसी में पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर जो है अंत्योदय अन्न योजना उनके लिए अलग स्कीम चलाई गई है, और अन्नपूर्णा अन्न योजना इंडिजेंट सीनियर सिटीजन के लिए, तो मतलब जो बुजुर्ग है उनके लिए। तो क्या देख रहे हैं आप कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रिफाइंड और सॉर्टेड और चैनलाइज होता चले गया, ठीक है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपको क्या देखने को मिल रहा है, करंट स्टेटस देखने को मिल रहा है। अगर इसे आप यहां देखोगे तो ये टेबल आपको सारी चीजें समझा देगा क्या है। तो PDS जो है 1992 तक कवरेज जो था उसका यूनिवर्सल था, 2.34 रुपीस क्या चलता था, वीट चलता था, राइस 2.89 रुपीस चलता था और सबको दिया जाता था झटक। फिर RPDS लाया गया, मतलब इसी PDS सिस्टम को RPDS में कन्वर्ट कर देगा 1992 में। बैकवर्ड ब्लॉक्स में क्या है, 20 केजी फूड ग्रेन्स दिया जाएगा, वीट 2.80 रुपीज और राइस 3.77 रुपीज, ठीक है। तो ये बैकवर्ड ब्लॉक्स जो 1700 मैंने आपको बताया, 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स जो थे कंट्री के वो सेलेक्ट किए गए। फिर TPDS जो है 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया PDS को, और मतलब वो करते चले गए मॉडिफाई, ठीक है। तो TPDS बना दिया जहां पे पुअर एंड नॉन पुअर BPL, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को अब और पुअर को इन लोगों को दिया जाएगा, अब पॉवर्टी लाइन कार्ड वालों को भी दिया जाएगा, और मैक्सिमम कितना जाएगा दिया जाएगा 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को दिया जाएगा 4.15 रुपीस और वीट और राइस दिया जाएगा 5.16 रुपीस में, पूरा इस टेबल में अच्छे से बताया गया। और अब पॉवर्टी लाइन वालों को वीट दिया जाएगा 6.10 में और राइस दिया जाएगा 8.30 में, ठीक है। तो आप देखो क्लासिफिकेशन कर दिया, जो अब पॉवर्टी लाइन वाले लोग होंगे उनको थोड़ा ज्यादा पैसे में देंगे, तो ये TPDS हो गया। फिर आते हैं AAY, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। तो अंत्योदय अन्न योजना में जैसे अगर आप देखोगे, हाँ, तो अंत्योदय अन्न योजना में क्या है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है ना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एक कैटेगरी बना दी गई कि अंत्योदय अन्न मतलब अंत्योदय वाला कार्ड जिनके पास है अंत्योदय कार्ड, उनको 35 केजी फूड ग्रेन दिया जाएगा, अगेन वीट और राइस 2 रुपए और 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसी TPDS में करंट PDS सिस्टम में अंत्योदय कार्ड अंत्योदय सेक्शन और बना दिया, तो उनको और सस्ते में दिया जा रहा है, ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम जो है, तो ये जैसे अगर आप देखोगे अन्नपूर्णा योजना जो है, तो APS इसमें इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को 10 केजी, सीनियर सिटीजन कम खाएंगे ना इसके लिए, तो 10 केजी तक का इनको यहाँ पे फूड ग्रेन दिया जाएगा और वो दिया जाएगा फ्री। तो इसके अलावा जैसे आज देखोगे तो आज भी अभी इसमें अब क्या हो रहा है कि लेटेस्ट अपडेट्स अगर देखोगे तो 2013 तक का दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसमें क्या है प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है तो उनको 5 केजी पर पर्सन के हिसाब से, आज जैसे जिनके पास कार्ड है तो 5 केजी पर पर्सन के हिसाब से 2 रुपए में वीट 3 रुपए में राइस दिया जाता है, कोरस ग्रेन जो है बाजरा वगैरह 1 रुपए में दिया जाता है, ठीक है। तो आज अब सबको दिया जा रहा है एक तरह से प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स, मतलब जिनके पास कार्ड है उन लोगों को, ठीक है, जिनके पास कार्ड है उन लोगों को दिया जाता है। उसके अलावा जैसे आप देखोगे तो विधवा जो होती है, ठीक है, विडोज जो रहती है तो उन्हें और बेनिफिट्स है इसमें, मतलब पेंशन वगैरह तो है वो तो है ही, उसके अलावा फूड ग्रेन्स में भी जो वो कहेंगे आप क्या जो आप क्या कह सकते हैं डिसेबल्ड होते हैं तो उन्हें भी क्या है इन स्कीम्स के थ्रू इंक्लूड किया जा रहा है। तो वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर और
आप क्या देखोगे, इंक्लूसिव बनाने का और लगातार प्रयास किया जाता है। तो ये करंट स्टेटस है पीडीएस का। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो आया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड इनेबल्स पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हाउसहोल्ड फूड सिक्योरिटी। तो ये प्रायोरिटी हाउसहोल्ड में मैंने आपको बताया, लगभग पूरे देश में उन्होंने 75% और 50% अर्बन पॉपुलेशन की बात करें और 75% रूरल पॉपुलेशन की, इनको इंक्लूड कर लिया। प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स को 2 रुपए, 3 रुपए और 1 रुपए के हिसाब से वीट, राइस और कोरस ग्रेन्स, बाजरा, ज्वार, ये ग्रेन्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिया। अंत्योदय अन्न योजना जिसमें आता है आपको, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए अंत्योदय अन्न योजना है। तो ये क्या है, इट वॉज लॉन्च इन दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट पीपल, ठीक है, अमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वर आइडेंटिफाइड। पुअर पीपल, पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू द बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे। तो यहां पे क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड वाले जो लोग थे उसमें भी टारगेटेड तरीके से आपने जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे वो आइडेंटिफाई किए। उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या है, ये प्रोविजन डाला कि 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल टू ईच फैमिली एट अ हाईली सब्सिडाइज रेट। मतलब देखो, पीडीएस था, पीडीएस के बाद में आरपीडीएस देख रहे हो, टीपीडीएस आया, तो उन्हें लगा कि यार कुछ सेक्शन छूट रहा है, तो फिर अंत्योदय अन्न योजना लाए। अंत्योदय अन्न योजना में वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले ग्रुप थे उसमें भी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे उनको वापस 2 रुपए में दे रहे। क्यों? क्योंकि एक टाइम आया था जब टीपीडीएस चल रहा था तो वो वीट और राइस की कीमत 4 रुपए और 5 रुपए तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या, अंत्योदय अन्न योजना में आइडेंटिफाई करके जो सच में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे उनको फिर 2 और 3 रुपीज में दिया गया। समझ गए, ये अंत्योदय अन्न योजना थी। फिर क्या, हाईली सब्सिडाइज रेट, ये आपने पॉवर्टी से चैलेंज में भी पढ़ा है, तो वहां पे सिर्फ इतना लिखा था कि अंत्योदय अन्न योजना पॉवर्टी एलिवेशन का एक प्रोग्राम रहा है। वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहां डिस्कस कर रहे हैं तो समझो, ठीक है, वो चीज है। तो फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल टू ईच फैमिली एट अ हाईली सब्सिडाइज रेट ऑफ 2 रुपीज पर केजी फॉर वीट एंड 3 रुपीज पर केजी फॉर राइस। दिस क्वांटिटी हैज बीन एनहांस फ्रॉम 25 to 35 केजी। तो पहले क्वांटिटी 25 केजी था, ठीक है, अब उस क्वांटिटी को 35 केजी कर दिया गया, कीमत वही 2 रुपए 3 रुपए है, विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2000 दी स्कीम है। अब आज तो जैसे देखोगे तो अब तो क्या चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, तो सबको बांट रहे हैं खूब, ठीक है, 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से। तो दी स्कीम हैज बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 केजी, एडिशनल 50 लाख बीपीएल फैमिलीज इन जून 2003, इन दी ऑगस्ट 2004, तो इसमें और बीपीएल फैमिलीज को ऐड करते चले गए। विद इंक्रीज ऑफ 2 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कवर्ड अंडर दी अंत्योदय अन्न योजना, 2 करोड़ फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। अभी आप सोच रहे होंगे, एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, चलो मैं उस पर डिस्कशन करता हूं, कि सर क्या इतना ज्यादा मतलब वो किया जा रहा है, 25 रुपए में खरीद रहे हैं, 2 रुपए 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो इससे तो इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी। ठीक है, आया ये किसी किसी के मन में आता है सवाल कि सर इससे तो इकोनॉमी हमारी बहुत खराब हो जाएगी। तो देखो, ऐसा है कि सरकार जो टैक्स लगा रही है उस टैक्स के पैसे से सरकार को जिम्मेदारी ये दी गई है कि इकोनॉमी के अंदर जो पॉवर्टी है उसे खत्म किया जाए, इकोनॉमी के अंदर जो कह सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी उसे खत्म किया जाए। तो सरकार क्या कर रही है, उसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल ऐसे कर रही है कि सरकार वो जो पैसा इतना टैक्स का लेती है तो उस टैक्स के पैसे से क्या करने की कोशिश करती है कि फूड ग्रेन्स को खरीद लेती है और उनको कम सब्सिडाइज रेट पे देती है, ताकि क्या हो, ताकि वो पॉवर्टी और जो फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना सरकार को, वो कर पाए। तो इकोनॉमी तो मतलब वो सरकार वो पैसा ले रही है इकोनॉमी से, तो उसको इकोनॉमी में ही लगा रही है एक तरह से। तो देश का पैसा देश में ही रह रहा है, अच्छा है कि जेब में नहीं जा रहा है देश, लेकिन अब इसमें भी समस्याएं होती है अभी बहुत सारी, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? चलिए, तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीडीएसआर। अब जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने भी बताया कि आपने पीडीएस मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया, पीडीएस किया गया, पीडीएस कैसा चला, क्या नहीं चला, करंट स्टेटस क्या है। अब एनालिसिस वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है, अब एनालिसिस वाले पार्ट पे आते हैं। तो पीडीएस के एडवांटेजेस क्या रहे, एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, अवेलेबिलिटी है, हमने भर भर के रख लिया स्टॉक, एक्सेसिबिलिटी है, सरकार के ट्रक पहुंचा देंगे वहां तक, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो अफोर्डेबिलिटी हमने ऐसे इंश्योर करी है। ठीक है, वो अफोर्डेबिलिटी हमने ऐसे इंश्योर करी है कि इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, हेल्प इन अवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री टू द डेफिसिट वन।
ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि दूसरा एडवांटेज, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो रहा है किसका, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो रहा है पीडीएस का, वो ये रहा है कि इट हेल्प इन अवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन। कैसे कि एक जगह तो खूब फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुए थे, दूसरी जगह जहां तक फूड ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हुए थे तो वहां तक आप सप्लाई कैसे करोगे, वहां तक वो फूड ग्रेन आप सप्लाई कैसे करोगे, पहुंचाओगे कैसे उन क्षेत्रों तक। तो पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, इनके थ्रू आपने क्या कर दिया है, जहां सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था वहां के फूड ग्रेन को डेफिसिट एरियाज तक पहुंचाया है और हंगर और फेमाइन से देश को बचाया है। तो ये एक एडवांटेज हो गया, शाबाश पीडीएस। ठीक है, अगला क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडेड इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर्स इन सर्टेन रीजन। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला कि एफसीआई जो है प्रोक्योर करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एमएसपी पे प्रोक्योर करेगा। अब जब एमएसपी पे प्रोक्योर करेगा तो उसके चलते क्या होता है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है, लोगों ने बोला कि यार इस फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करो, इस पे सरकार एमएसपी देगी। ठीक है, तो लोगों की इनकम बढ़ी है, फार्मर्स जो है तो फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी मिली है, समझ में आ रहा है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सरकार के द्वारा प्रोक्योरमेंट से लोगों को इनकम सिक्योरिटी मिली थी कि हाँ चलो फसलों की कीमत, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या है क्या कि पहले तो प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन होता है तो क्या, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस कम हो जाती थी, तो किसानों को ऐसा लगता था कि खूब प्रोडक्शन कर लो तो उधर फसल में की दाम नहीं मिलते, और नहीं प्रोड्यूस करो मतलब या तो प्रोड्यूस होती ही नहीं है तो ऐसे भी दाम नहीं मिलते हैं। तो वहां पे जब क्या, सरकार जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करती ना कि चाहे तुम कितना ही प्रोड्यूस करो, हम 2000 रुपए फिक्स कर रहे हैं तो 2000 रुपए में खरीदेंगे, तो इससे क्या रहता है कि इनकम सिक्योरिटी आती है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ पीडीएस, की पीडीएस ने कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज को, पॉवर्टी को खत्म करने के अलावा भी, ठीक है, फार्म इनकम जो है, एग्रीकल्चर इनकम जो है फार्मर्स की, उसको सपोर्ट किया है। ठीक है, हंगर पॉवर्टी से बचाया है देश को, फाइन, स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल, ये सारी चीजें, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर किया है, ये सारे एडवांटेजेस रहे हैं। तो अगर एडवांटेजेस की बात आए, अच्छी अच्छी बातें लिखने की बात आए, ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातों में ये लिख लेना, आप समझ गए, अच्छी अच्छी बातों में ये सारा सब कुछ लिख लेना। तो हाउएवर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल ग्राउंड्स, लेकिन यहाँ पे इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जितने आपको पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उतने ही आपको क्या देखने को मिलते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नेगेटिव इंपैक्ट्स भी रहे। क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स है, अब इस पे अगर बात करें हम, तो नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करते चलो, तो इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट। देखो ध्यान देना हाँ, कि नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव इंपैक्ट्स ये रहे सारे, ठीक है, ये नेगेटिव इंपैक्ट्स है कि इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। तो पीडीएस बनाया, उसके लिए बफर स्टॉक था, बफर स्टॉक में ओवरफ्लोइंग ग्रीनरीज है, चूहे खा रहे हैं। आपने ये न्यूज देखी भी होगी, बारिश में क्या है, कितना ही अनाज सड़ जाता है, क्यों, क्योंकि अनाज इतना खरीद लिया है कि उसको स्टोर करने की जगह नहीं, तो खुले में पड़ा है तो सड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी समस्या आती है कि देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ हंगर विच आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रीनरीज, लेकिन जब इतना ओवरफ्लो कर रही है ग्रीनरीज, इतना फूड ग्रेन्स, उसके बावजूद भी आपको इंस्टेंसेस ऑफ हंगर देखने को मिलते हैं कि लोग फिर भी भूख के कारण क्या हो रहे हैं, लोग भूख के कारण, लोग जो है तड़प रहे हैं भूख के कारण, लोगों की जाने भी जाती है, आज भी जाती है देश में, रिमोटेस्ट एरियाज में अगर आप जाओगे तो आज भी आपको देखने को मिलेगा कि पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर। फाइन, तो उस तरह से क्या है कि इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। ठीक है, डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज टुडे ऑल्सो पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर। देर इज अ जनरल कंसेंसस दैट हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन इज वेरी अनडिजायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल। दूसरी समस्या जो देखने को मिल रही है क्या है कि जो हाई लेवल ऑफ, आपने क्या करके रखा है, हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स क्रिएट करें ना, तो वो क्या है, अनडिजायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल। एग्जाम्पल, इन 2014 द स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस विद एफसीआई वॉज 65.3 मिलियन टन्स, विच वॉज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स। द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन टू द वेस्टेज एंड डेटोरिएशन इन ग्रेन क्वालिटी। आप समझो बहुत अच्छे से कि एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट जिस कारण से क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है पीडीएस को, वो ये किया जाता है कि आप तो ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज हैं, आपके पास इतना स्टॉक करके रखा फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, बांट ही दो ना, वो खराब भी तो हो रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज ये भी है कि हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक जो क्रिएट किए जा रहे हैं वो इतने किए जा रहे हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब क्या है कि प्रोडक्शन हो गया तो खरीदने का बोला है तो प्रोक्योर कर करके रख लिए, आगे बेच रहे नहीं है, स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो तो पेरिशेबल गुड्स है ना, फूड ग्रेन्स तो पेरिशेबल होता है, एक समय के बाद वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल यहां दिया गया, जैसे 2014 में 65.3 मिलियन टन क्विंटल भी नहीं बोल रहा हूं, टन में बोल रहा हूं, इतना फूड ग्रेन स्टॉक करके रखा था, विच वॉज
मोर देन दी मिनिमम बफर नॉर्म्स, जो मिनिमम चाहिए उससे काफी ज्यादा था। फिर उसके बाद में जब इतना आप स्टोर करोगे तो स्टोर करने के लिए ऐसा नहीं कि जेब में लेके घूम लेंगे मोदी जी, ठीक है। यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ आपको उसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, आपको स्टोर करना होगा, स्टोर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग केयरिंग, उसमें कॉस्ट लगता है, आपको लोग चाहिए रहेंगे, उनको पैसे देना पड़ेंगे, ठीक है। वो वहां तक भी ठीक है, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट वगैरह बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वेस्टेज भी हो रहा है, पानी बारिश में गल जा रहा है, सड़ रहा है, और उसके साथ साथ में क्या है कि आप इतने समय स्टॉक करके रख रहे हो तो वो उसकी ग्रेन क्वालिटी भी खराब हो रही, तो आप वो गरीबों को पहुंचा भी रहे हो, तो वही वाली बात है, वो क्रोनिक हंगर वाली, उसकी क्वालिटी नहीं है ना, समझ में आ रहा है। सड़ा हुआ खराब अनाज अगर पहुंचाओगे तो फिर वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे खराब, ये पॉइंट रहते, ये सारे प्रॉब्लम्स रहते, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट एमएसपी इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू प्रॉस्परस रीजन्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन वेस्ट बंगाल, एंड मेनली ऑफ टू क्रॉप्स, वीट एंड राइस। ये समझना, एमएसपी कितना अच्छा लगता है ना सुनने में कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया, लेकिन ये एमएसपी हर किसान को हर जगह हर एक जैसा नहीं मिल रहा है, स्टेट वाइज एमएसपी वैरी करता है, और साथ ही साथ क्या है कि कुछ एरिया, कुछ स्टेट्स में, कुछ रीजंस में, कुछ ही प्रॉस्परस रीजंस में कंसंट्रेटेड है एमएसपी पे प्रोक्योर करना, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एंड टू द लेसर एक्सटेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड मेनली टू टू क्रॉप्स, जो कौन सी है, वीट और राइस, और वीट और राइस जो है इन्हीं क्रॉप्स को ज्यादा प्रोक्योर किया जा रहा है, दूसरी क्रॉप जो है तो उनपे एमएसपी नहीं है, उनपे प्रोक्योरमेंट प्राइस नहीं दिया जा रहा है, तो उसके चलते क्या है, किसान भी क्या कर रहे हैं, वीट और राइस ही दबा के प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि इस पे स्टेबिलिटी, इनकम सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ये पॉइंट अच्छे से समझना, क्या हो रहा है कि जब आप, ये बहुत अच्छा वो मतलब बोलते ना, एक वैलिड क्रिटिसिज्म का पॉइंट है एमएसपी का, वो वैलिड क्रिटिसिज्म का पॉइंट क्या है एमएसपी का, वो ये है कि पैटर्न जो है ना, क्रॉपिंग पैटर्न वो पूरा का पूरा बदल गया है। कैसे क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया, क्योंकि सरकार एमएसपी कुछ फिक्स्ड क्रॉप्स पर ही दे रही है, अब जब कुछ फिक्स्ड क्रॉप्स पर ही एमएसपी दे रही है तो उसके चलते क्या है कि लोग दूसरी क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे, सभी लोग वही क्रॉप ग्रो करते हैं, अब जब सभी वही क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसके चलते क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो बदल गया है, ठीक है, टू अ लार्ज एक्सटेंट क्रॉपिंग पैटर्न हैज चेंज्ड, तो चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, एमएसपी के चलते कुछ ही क्रॉप्स, मतलब वीट और राइस पे मुझे एमएसपी मिल रहा है तो मैं वीट और राइस ही ग्रो करूंगा ना, दूसरी क्रॉप क्यों ग्रो करूं, क्योंकि किसी में उसे प्राइस नहीं मिलेगा, तो क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया है और कुछ ही एरियाज जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि बफर स्टॉक और पीडीएस वगैरह के चलते लोगों को लग रहा है कि इस चैनल के थ्रू हम इनकम स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा जैसे देखोगे तो द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टीवेशन ऑफ राइस हैज आल्सो लेड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन वाटर लेवल। अब जैसे राइस पे क्या एमएसपी है, मैंने बताया कि राइस ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब राइस ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स, तो राइस ऐसा थोड़ी ना कि बस हो जाएगी प्रोड्यूस, वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, देखो यहाँ यही पता है, मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे पॉलिसीज कैसे किसी को आगे निकाल देते हैं पीछे, क्या हो रहा है कि यूएसए जो है, तो यूएसए अपने यहाँ राइस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पता है सिर्फ चावल प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उसके साथ जो वाटर रिसोर्सेज है, जबकि उनके पास पानी बहुत है, तो वो क्या करते हैं, राइस हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो राइस इंपोर्ट नहीं करते इंडिया से, वो राइस के साथ साथ इंडिया का पानी भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं उस पानी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, और फैक्ट्रीज लगाते हैं, उन्हीं फैक्ट्रीज में ट्रैक्टर बना के बोलते हैं लाओ खेती करो तो हमारे ही ट्रैक्टर खरीदो तुम, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे एमएसपी है, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे जब एमएसपी है तो वो क्रॉप्स को जब ग्रो किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, कैसे, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर पंप किया जाएगा, ग्राउंड वाटर पंप किया जाएगा, तो ये सारी समस्या आती है। पीडीएस डीलर्स आर समटाइम फाउंड इन रिजॉर्टिंग टू माल प्रैक्टिसेस लाइक डाइवर्टिंग दी ग्रेन्स टू दी ओपन मार्केट, ये एक सबसे बड़ी समस्या है, और इसी के चलते अब क्या है पीडीएस को आधार से लिंक करना, ये सारी चीजों पे बायोमेट्रिक से लिंक करना शुरू किया है सरकार ने, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। ध्यान रखना एक क्वेश्चन आएगा आपका क्या कि वॉट आर दी पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म टू अगेंस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वॉट आर दी नेगेटिव एस्पेक्ट्स, या फिर वॉट आर दी ड्रॉबैक्स, वॉट आर दी लिमिटेशन टू दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये सारे लिमिटेशन वाले पॉइंट्स लिखते चलना, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, फॉल इन ग्राउंड वाटर लेवल हो गया, उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डीलर्स आर समटाइम फाउंड रिजॉर्टिंग टू माल प्रैक्टिसेस लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट में ग्रेन्स को डाइवर्ट कर दे रहे हैं, कौन, पीडीएस डीलर्स जो है, पीडीएस डीलर्स मतलब कि वही मैंने आपको बताया कि वहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो जाके दुकान पे बैठेंगे नहीं कि लाओ मैं गेहूं और चावल बेच दूं, वो तो अलग अलग लोग हो गए हायरार्की में, तो जो राशन शॉप्स में बैठने वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, तो राशन शॉप्स में बैठने वाले लोग क्या करते हैं, ठीक है, समटाइम दे आर फाउंड रिजॉर्टिंग टू द माल प्रैक्टिसेस लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट, मतलब उन्हें पता है कि हमारे को तो सरकार ने दे दिया है, तो सरकार ने जब वो फूड ग्रेन दे दिया है तो 3 रुपए में बेचेंगे, तो हमें सरकार को पैसे वापस सरकार के खाते में 3 रुपए के हिसाब से डालना है,
कि अगर 10 किलो आया है तो 30 रुपए सरकार को पहुंचाना है। तो हम क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रेन उठा के मार्केट में 15 रुपए के हिसाब से बेच देते हैं, तो 15 रुपए के हिसाब से 150 रुपए कमाया, 30 रुपए सरकार के उसमें डाल दिया, 120 रुपए अपनी जेब में, है ना, समझ रहे हो। तो वो जो फूड ग्रेन सरकार ने गरीबों तक पहुंचाने के लिए दिया था, तो वो राशन शॉप वाले से सरकार उतना ही पैसा लेगी, 30 रुपए 10 किलो अगर पहुंचाया था तो, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको मार्केट में बेच देगा तो मार्केट में तो उसकी कीमत 25 रुपए है ना, मतलब 20 रुपए है ना ग्रेन की, हम 15 में ही बेच देंगे, पीडीएस शॉप वाला बोलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये डायवर्जन ऑफ ग्रेन्स, मतलब बेनिफिशियरीज तक बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर वह सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स, राशन शॉप्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि गरीब मतलब जो पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन, मतलब क्या है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ ग्रेन को मार्केट में बेच दिया और खराब क्वालिटी ऑफ ग्रेन मार्केट से ले आए और वो क्या कर दिया जो नीडी पर्सन से उनको दे दिया। तो इस तरह के माल प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं। इररेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, शॉप्स को रेगुलर वे में खोला नहीं जाता है, क्या है कि आज छुट्टी पे है, आज तबीयत खराब है, तो जो गरीब खाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं उन तक खाना पहुंच ही नहीं पाता है, समझ गए। फिर क्या है, राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट का मतलब क्या हो जाता है कि राशन शॉप्स को अगर आप जिस देखोगे तो राशन शॉप्स पे एक सबसे बड़ी समस्या ये जाती है, क्या जाती है सबसे बड़ी एक समस्या कि ठीक है जो बहुत सारा पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, तो वो जो राशन कार्ड होल्डर आएगा वो भी नहीं खरीदेगा, बोलेगा दूसरी बोरी में से निकाल के दो, ये बहुत खराब है खाने लायक नहीं है। तो जो अनसोल्ड पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन है वो वहां का वहीं पड़ा रह जाता है, खराब हो जाता है, तो वो वेस्टेज है। सरकार ने तो उसे 25 रुपए में खरीदा ही था लेकिन वो वेस्टेज है पूरा। मतलब हम पूरे चैप्टर में एग्जांपल वीट के लेके चल रहे, तो आप तुम ये मत सोचना कि सभी 25 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन वीट क्रॉप जो है तो जैसे 20 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अगर, तो वो हैंडलिंग स्टोरिंग ट्रांसपोर्टिंग ये सारे कॉस्ट मिला के 25 रुपए पर केजी के हिसाब से सरकार के माथे आता होगा, ये मान लो हम, ठीक है। फिर क्या आता है, तो दी थ्री टाइप ऑफ कार्ड्स एंड रेंज ऑफ प्राइसेस क्रिएटेड दी प्रॉब्लम। अब क्या है, उसके साथ साथ में एक पीडीएस की समस्या ये भी है कि जो कार्ड अलग अलग तरह के बना दिए, अंत्योदया कार्ड बना दिए, पीडीएस कार्ड बना दिया, ठीक है, उसके बाद में पीडीएस बोल रहा हूँ, बीपीएल कार्ड बना दिया, एपीएल कार्ड बना दिया। तो अब क्या होता है कि लोगों को भी समझ नहीं आता उनकी कितनी लिमिट है क्या नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हैंडलिंग होती ना कि हाँ इस कार्ड पे इतने केजी जाएगा, इस कार्ड पे इतने केजी जाएगा, तो वो क्या है ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो है आती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम एक आती है। सो दीज वर दी लिमिटेशन, दीज वर दी डीमेरिट्स ऑफ वॉट, दीज वर दी डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझ गए, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पूरे के पूरे डीमेरिट्स थे। जैसे आपने देखा होगा ना नायक मूवी का सीन देखा है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वो चुंबक चिपका लेता है नीचे, ठीक है, वो जो नापने वाला वो रहता है तो उसका वेट ही अलग चलता है, तो ये सारी समस्या होती है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, ठीक है, पीडीएस डीलर्स जो है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है स्पेसिफिकली कि पीडीएस डीलर्स क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, ये हमने पूरा का पूरा क्या समझ लिया, पीडीएस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार ने, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के लिए बफर स्टॉक और पीडीएस दो डायमेंशनल पे फूड सिक्योरिटी पे काम किया जा रहा है, बफर स्टॉक और पीडीएस। और बफर स्टॉक और पीडीएस के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया, समझा दिया अच्छे से, ठीक है। तो ये सारा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ पढ़ के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में कोऑपरेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव्स का क्या रोल होता है, वो और चीज समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू द पुअर पीपल। कोऑपरेटिव होते क्या है, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको कि जैसे अब जो सप्लायर्स होते हैं, देखो किसी भी चीज की कीमत क्यों बढ़ती है मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आज हम देख रहे हैं कि मार्केट से अगर आज हम क्या ला रहे हैं, फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, तो फ्रूट्स कैसे आएंगे मार्केट में, मार्केट में फ्रूट्स ऐसे आएंगे कि जो एक प्रोड्यूसर होगा, फार्मर होगा, उसने फ्रूट्स प्रोड्यूस किए, उस फार्मर ने क्या किया, ओपन मंडी में जाके बेच दिया। मंडी में जाके बेचा तो मंडी में कौन खरीदेगा, ट्रेडर। उस ट्रेडर ने क्या किया, खरीद के एक होलसेलर तक पहुंचा दिया। उस होलसेलर ने फिर क्या किया कि दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करवाया, ट्रांसपोर्ट करवा के क्या कर दिया, उसने वहां पे रिटेलर को बेच दिया। अब वो जो रिटेलर्स थे तो उन रिटेलर्स ने फिर आपको बेचा। तो अब इतने सारे लोग बीच में जो इंक्लूडेड है, तो अब क्या होगा, हर इंसान, अगर किसान ने 10 रुपए में बेचा होगा तो वो जो बीच में होलसेलर होगा वो 15 रुपए में आगे पहुंचाएगा, और वो जो रिटेलर तो फिर वो 20 रुपए में बेचेगा आपको, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो गया, 10 रुपए की कीमत थी, किसान को 10 रुपए मिले, लेकिन आपके घर तक आते आते वो 20 रुपए हो गया, समझ रहे हो। तो आपके घर तक आते आते वो 20 रुपए हो गया। तो अब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना होगा, देखना होगा, क्या ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, समझना होगा कि अगर ये पूरे बीच के प्रोसेस को हटा दिया जाए तो कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे कोऑपरेटिव्स आते हैं। कैसे कोऑपरेटिव्स आते हैं, तो कोऑपरेटिव्स में क्या हो रहा है कि जो सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स है ना, सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली
सेलिंग पर्पस में, मतलब सेलिंग चेन में वो होते हैं, ठीक है, सप्लायर और पर्पस से डायरेक्ट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचते हैं। तो अब क्या हो रहा है, सप्लायर और प्रोड्यूसर जो है तो वो खुद ही क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी फसल वैसे भी 20 रुपए में बेच रहा है फ्रूट्स, ठीक है, जो होलसेलर वाली पूरी चेन बताइए, तो उससे बेहतर ये कि हम 12 रुपए ही कमाएं लेकिन हम खुद ही थोड़ा मेहनत करके क्या करें, इसको कंज्यूमर तक पहुंचाएं। तो मिल्क वाला जो, मिल्क प्रोडक्शन वाला जो सेक्टर होता है, ठीक है, वहां पे आपको कोऑपरेटिव्स बहुत सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे। तो जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स होते हैं, डेयरी फार्मर्स, वो क्या करते हैं, वो एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं, कोऑपरेटिव डेयरीज वगैरह एस्टैब्लिश करते हैं, वही डेयरी से दूध सीधा कहां तक पहुंच जाता है, वो डेयरी से दूध जैसे पैकेजिंग वगैरह भी होती है, लेकिन बीच में जो चेन है वो चेन एलिमिनेट की जाती है। तो कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, वेयर द सप्लायर्स एंड प्रोड्यूसर्स एक्ट्स एज द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड इन दिस प्रोसेस, ठीक है, दे आर डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द कंज्यूमर्स एंड इन दिस होल प्रोसेस द प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूसेस, ठीक है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रहती है तो अपनी शॉप जगह जगह खोलती है ताकि लो प्राइस गुड्स जो है गरीबों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है, लो प्राइस गुड्स जो है गरीबों तक पहुंचाया जा सके। तो इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स, ठीक है, तमिलनाडु में जैसे अगर आप देखोगे तो 94% ऑफ जो शॉप्स होती है किस चीज की, फूड ग्रेन्स वगैरह वाले की, तो दीज आर रन बाय कोऑपरेटिव्स, ठीक है। इन दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्रिक्ट इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो तमिलनाडु ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क अचीव किया है, ठीक है, कोऑपरेटिव्स के द्वारा ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि क्या हो, ताकि किसी भी तरह का बीच में माल प्रैक्टिसेस ना हो, बीच में घूसखोरी ना हो, वो सारी चीजें ना हो। फिर क्या है, मदर डेयरी की अगर बात करें तो मदर डेयरी क्या है, जैसे मदर डेयरी अगर आप देखोगे तो दिल्ली और नियर बाय एरियाज में मिल्क और वेजिटेबल प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, रीजनेबल कॉस्ट पे और अच्छी तरह से पहुंचा पा रही है। अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात में जैसे आप देखोगे अमूल, तो अमूल सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, ऑल ओवर द कंट्री आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी जहां पे उसने कितने ही किसानों को सपोर्ट किया है, किसानों के साथ साथ क्या कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाए हैं, ठीक है। अमूल के बाद में क्या, इन महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS हैज फैसिलिटेटेड द नेटवर्क ऑफ NGOs फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजंस, ठीक है। तो आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है, तो महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज फैसिलिटेटेड द नेटवर्क ऑफ NGOs फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन। तो ग्रेन बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए अलग अलग जगह, कैसे ग्रेन बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए, NDS के द्वारा, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस के द्वारा, ताकि क्या हो, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके। ये समझना अच्छे से, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है तो इसने NGO के नेटवर्क के साथ में मिलकर क्या है, ग्रेन बैंक्स एस्टैब्लिश किए ताकि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन को क्या हो, अफोर्डेबल रेट पे ग्रेन्स प्रोवाइड किया जा सके, मतलब लोग भूखे ना जाए, ठीक है, और अब कॉस्ट मिनिमम रखने की कोशिश की जाएगी। अब ये NGO के नेटवर्क वगैरह के साथ मिलकर क्या है, लोगों को ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस चीज पर फोकस करते हैं। एफर्ट्स टू सेट अप ग्रेन बैंक्स विद द हेल्प ऑफ NGOs इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फूड सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट भी, अब क्या होता है, ये NGOs वगैरह आर द, कह सकते हैं, ग्रुप्स विच आर वर्किंग आउटसाइड द गवर्नमेंट बट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, क्रिएटिंग द एनवायरमेंट कंडीसिव फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि हाँ, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना जो गवर्नमेंट का काम है, वो इस तरह के NGO वगैरह कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। ये सारा सब कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया, क्लियर है। तो अब यहां पर इसी नोट पे हमारा चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग लाइक दिस कि चलो चैप्टर कंप्लीट हुआ, बड़ा मजेदार चैप्टर था। फूड सिक्योरिटी में आपने बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी है। एक बार अगर स्नैप रिकैप की बात करें तो देखो हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में, फटाफट से 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हमने फूड सिक्योरिटी को समझा, फूड सिक्योरिटी मल्टी डायमेंशनल होता है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, हर सेंस पे देखा जाता है वो, ठीक है। सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाना फूड सिक्योरिटी नहीं होती है। अब ये फूड सिक्योरिटी हम क्यों इंश्योर करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस में लोग जो सफर करेंगे, वो वल्नरेबल सेक्शन जो सफर करेगा, वो सफर ना करे, इसके लिए क्या किया जाता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। कैसे करोगे, तो फूड सिक्योरिटी की, जैसे मतलब फूड सिक्योरिटी जो है, तो फूड सिक्योरिटी सिर्फ उसमें आप हंगर वाला एस्पेक्ट देखोगे, क्रॉनिक हंगर हमने देखा, सीजनल हंगर देखा। कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर करोगे, तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, जैसे आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी कुछ हमारी मदद करी है, लेकिन उसका, उसके जो बेनिफिट्स रहे हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट रहे हैं, वो सारी चीजें। अब इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है, तो फूड सिक्योरिटी 2 डायमेंशन पे इंश्योर की जा रही है, बफर स्टॉक और PDS। तो बफर स्टॉक में FCI, प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ग्रेनरीज में स्टोर करना, वो बफर स्टॉक हो गया। इन्हीं बफर स्टॉक को जब लोगों तक पहुंचाया जाता है FCI के द्वारा,
एट इशू प्राइस, तो वो जो पूरा सिस्टम डेवलप होता है पीडीएस होता है रेशन शॉप्स वगैरह के थ्रू, अलग अलग कार्ड्स होते हैं रेशन शॉप्स का, जो पूरा का पूरा सिस्टम है पीडीएस सिस्टम, वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो पीडीएस, आरपीडीएस, टीपीडीएस, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के चलते फिर क्या सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, सब कुछ करंट स्टेटस हमने देखा। फिर उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव क्या, तो पीडीएस के पॉजिटिव ये है कि लोगों की इनकम स्टेबल हो गई है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए हो, डेफिसिट एरिया से सरप्लस, मतलब सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया तक आप क्या कर पाए, फूड ग्रेन्स पहुंचा पाए, वो तो एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज भी है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि तो पीडीएस डीलर समस्या क्रिएट करते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स मतलब लोग भूखे मर रहे हैं कहीं पे, फूड ग्रेन्स ग्रेनरीज ओवरफ्लो कर रही है, हाई कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, उसके बाद में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे हमने नेगेटिव इंपैक्ट भी देखे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चलते क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया और वो कुछ ही एरियाज तक सीमित है, तो नेगेटिव भी देख लिया। और लास्ट टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एमएसपी के ऊपर पढ़ा, जिसमें हमने क्या कॉपरेटिव्स के ऊपर पढ़ा कि कॉपरेटिव्स आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, तो मदर डेयरी हो गया, ठीक है, जैसे कॉपरेटिव्स इन तमिलनाडु वाला एग्जांपल हो गया, ये सारी चीजें क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है अब पूरी तरह से समाप्त होता है। आई होप यू पीपल एंजॉयड दी चैप्टर, सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए, कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर 30th September, आई वुड जस्ट इनवाइट यू ऑल मीटअप, ये जो मीटअप है कहां पे, पटना ऑफलाइन सेंटर जो है अन अकेडमी का, तो वहां पर आई विल बी देयर ऑन 30th September। इफ यू आर फ्रॉम पटना इन नियर बाई एरिया, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया है, तो प्लीज डू फिल दैट गूगल फॉर्म, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल, मिलते हैं, फर्स्ट मीटअप है, ठीक है, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू मीट यू ऑल आर इन्वाइटेड इन दिस इवेंट, पटना अनअकैडमी सेंटर का ऑफलाइन इवेंट है। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस होती है एज यू नो अनअकैडमी ऐप पर, तो इन स्पेशल क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होता है, वहां पर स्पेशल क्लासेस होती है। तो अगली जो स्पेशल क्लास होना है मेरी, वो कब होना है, 5:45 पे होगी, 5 तारीख को होगी। टॉपिक क्या रहेगा, पोल सेशन, पोल सेशन नंबर 11 पे पहुंच गए हम लोग, 10 तक हो गया, पोल सेशन नंबर 11, तो हाफ ईयरली के जो पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं आपके लगभग वो पोल सेशन नंबर 11 जो है वो होगा, कितनी तारीख को, 5 तारीख को मिल रहे हैं, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे के दिन हम, ठीक है, वेडनेसडे के दिन स्पेशल क्लास होगी। उसके अलावा सुनो, 9th, 10th, 11th, 12th IIT JEE नीट, किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो, करने वाले हो, सोच रहे हो, तो ये एग्जाम मिस मत करना, अनसेट अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ठीक है, इट इज वन ऑफ द यूनिक इन इट्स ओन टाइप एग्जाम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, बेनिफिट्स 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ, जो टॉप रैंकर्स रहेंगे दे विल गेट अ चांस टू विजिट यूरोस्पेस सेंटर, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में जाने का मौका मिलेगा, जहां पे स्पेशल मेंटर्स आपको तैयार करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपके एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। एग्जाम 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, यूज कोड दिगराज, DIGRAJ दिगराज टू एनरोल इन दिस एग्जाम, एनरोलमेंट के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस एग्जाम में रजिस्टर करो एंड यू कैन अवेल ऑल सच बेनिफिट्स, ठीक है, अनसेट, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अनसेट एग्जाम में जरूर एनरोल करना। उसके अलावा ठीक है, क्लास 10th के बच्चों के लिए अपडेट क्या है, क्लास 10th के बच्चों के लिए अपडेट यह है कि उमंग बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है मेरा, 9th की जो क्लासेस रहती है अनअकैडमी प्लस पर मेरी, 9th की क्लासेस मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे रहती है 8:45 से 9:45, बाकी 10th क्लास के लिए अभी एक बैच स्टार्ट हो रहा है, उमंग बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th September, मोड ऑफ डिलीवरी इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है, तो ये पूरी टीम है, साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी, ये कवर करेंगे, द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th September, फाइन। उसके अलावा अनअकैडमी पर जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको क्या देखने को मिलता है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें प्लस का पार्ट होती है। आइकॉनिक में आप देखोगे तो पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारे फीचर्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल होते हैं। तो वॉट एवर सूट्स योर नीड, यू कैन टेक दैट सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट लर्निंग ऑन अनअकैडमी प्लस, क्लियर है। और इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, दिस इज द राइट टाइम, क्यों, क्योंकि 26th September से 30 तक क्या चल रहा है, 26th September से 30 तक चल रहा है अनलॉक 20 वाला ऑफर, जहां पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ देन यू विल गेट 20% डिस्काउंट। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ यू आर
getting using this subscription you will get the maximum discount जो कि अभी चल रहा है 20%. समझ गए? So this was the whole story. I hope you enjoyed the chapter. Economics की book को देते हैं पूर्णाहुति स्वाहा. इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आपके एंड पे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते चल रहे हैं, अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, परिपक्व बना रहे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए. अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं. साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल. थैंक यू वेरी मच.